हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इनफिनिटी क्वेश्चन नंबर सेवन सी सेट टू मैथ सेक्शन का ये क्वेश्चन नंबर सेवन है और ये कोड बी है ध्यान रखेंगे कोड बी का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है इफ जीरो इज रिटेन एज सी सो जेड ई आर ओ इसको कैसे लिखा है इसको लिखा सी एच यू आर ऐसे लिखा ठीक है कोडिंग में तो कह रहा है कि हाउ इज प्लेयर रिटेन प्लेयर को कैसे लिखा जाएगा पी एल ए वाई आर -E कैसे लिखा जाएगा इसे तो देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जेड ए प्लस बी प्लस सी प्लस थ्री आगे जा रहा है अल्फाबेट में ई e, एफ जी एच एफ जी ई ए बी सी डी एफ जी एच जेड ए बी सी मतलब तीसरा इसमें भी प्लस तीन आगे जा रहा है आर एस टी यू इसमें भी प्लस तीन जा रहा है ओ पी क्यू आर इसमें भी प्लस थ्री जा रहा है मतलब हर एक लेटर जेड का करस्पॉन्डिंग लेटर सी है जो कि तीन आगे इसी तरह पी क्यू आर हो जाएगा यहाँ पे एल एम एन हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू पी uh, है क्यू आर एस हो जाएगा यहां पे ध्यान रखेंगे एस हो जाएगा एल है एम एन ओ हो जाएगा ए है बी सी डी हो जाएगा y है, एफ जी एच हो जाएगा और आर है तो आर के बाद एस टी यू हो जाएगा मतलब एस ओ डी बी एच यू तो एस ओ डी बी एच यू जो है ऑप्शन यहां पे डी है तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा राइट ये क्वेश्चन नंबर सेवन का सलूशन हो गया अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन करेंगे तब तक आप इसे ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट यहां पे हमें देखना है कि इस क्वेश्चन में कौन ओल्डर है और कौन यंगर है मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पांच स्टेटमेंट गिवन है स्टेटमेंट वन कह रहा है ए इज ओल्डर देन बी चलिए तो ए इज ओल्डर देन बी तो ओल्डर को हम ऊपर लिखेंगे और यंगर को नीचे तो यहां पे हम लोग लिखते हैं ए इज ओल्डर देन बी सो वी हैव सी हियर ए इज ओल्डर देन बी लिख लिया सी एंड डी आर ऑफ सेम एज मतलब सी और डी जो है साथ एज का होगा तो एक ही लाइन में लिखेंगे ई इज यंगेस्ट ई इज यंगेस्ट मतलब ई बॉटम लाइन में होगा ठीक है ई बॉटम लाइन में होगा और एफ इज यंगर देन डी अब कह रहा है एफ जो है यंगर देन डी मतलब एफ जो है डी से छोटा होगा मतलब एफ अगर डी से छोटा होगा तो सी डी से भी छोटा होगा और एफ इज ओल्डर देन ए और एफ कह रहा है कि ओल्डर देन ए है सो एफ इज ओल्डर सो डी एफ इज यंगर देन डी एंड एफ इज ओल्डर देन ए सो यहां पे हमारा ए आ जाएगा और ए इज ओल्डर देन बी सो यहां पे हमारा बी आ जाएगा और यहाँ पे ई इज यंगेस्ट ई यंगेस्ट है और हमारे पास कितने हैं ए बी अच्छा सी डी सेम है सी डी का एज सेम है सी और डी का एज सेम है तो कह रहा हाउ मेनी स्टेटमेंट गिव द आर रिक्वायर टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन या पर्सन या पर्सन दोनों है तो यहां पर अगर एफ इज ओल्डर देन ए अगर हम लोग कहें ध्यान से देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि ए इज ओल्डर देन बी तो ए और बी में कौन सा ओल्डर है मतलब यहाँ पे ओल्डेस्ट पूछ रहा है ए और बी फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन ओल्डेस्ट है ठीक है अगर सी और डी सेम एज का है तो अगर दोनों स्टेटमेंट को मिला भी दें तो ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन ज्यादा ओल्डेस्ट है अब कह रहा है ई इज यंगेस्ट तीसरा को भी मिला देते हैं तब भी हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा कौन सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है फोर्थ कह रहा है कि एफ इज यंगर देन डी अब कह रहा है एफ इज यंगर देन डी तो एफ यंगर देन डी है ई e यंगेस्ट है तो यहां पे आप देखिए एंड एफ इज ओल्डर देन ए तो ये सारे स्टेटमेंट को मिला के हम बता सकते हैं कि कौन सा पर्सन ओल्डेस्ट है या पर्सन person या पर्सन ओल्डेस्ट है तो यहां पे ऑप्शन ऑप्शन डी सही होना चाहिए सो यहां पे हम लोग ऑप्शन डी को सही करेंगे आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है कंसीडर द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट कुछ लंबा क्वेश्चन है इसमें uh, है और स्टेटमेंट है ये दोनों को ध्यान से पढ़ के हमें आंसर देना है देर आर फाइव मेंबर ए बी सी डी इन ए फैमिली तो पांच मेंबर हम लोग सकते हैं ए बी सी डी ई ये फैमिली के मेंबर है अब स्टेटमेंट वन कहता है ए एंड बी आर मैरिड कपल अच्छा क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी ई एंड बी में क्या रिलेशन होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन स्टेटमेंट वन है और ये है है लिख लिया इसके बाद डी इज फादर ऑफ सी डी जो है फादर है यहां पे हम लोग लिख लेते हैं फादर ऑफ सी ये स्टेटमेंट टू है ठीक है ये स्टेटमेंट टू है ओके अब इसके बाद कह रहा है स्टेटमेंट थ्री ई इज डी सन ई डी का बेटा है ई जो है डी का बेटा है तो ये ई e, जो है सन हो गया डी का ओके सॉरी यहां पे ई e ई हो जाएगा डी e, का बेटा हो गया अब कह रहा है ए एंड सी आर सिस्टर ए एंड सी ए एंड सी यहां पे हम डबल कर लेते हैं कि सिस्टर हो जाएगा ठीक है सिस्टर अब क्वेश्चन क्या रहा है कि स्टेटमेंट वन टू एंड स्टेटमेंट थ्री आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट वन कह रहा है ए और बी मैरिड कपल है ए एंड बी मैरिड कपल है स्टेटमेंट दो जोड़ते हैं डी डी जो है सी का फादर है डी जो है सी का फादर है ओके okay? और स्टेटमेंट थ्री कह रहा है कि डी ई e जो है डी का सन है तो ये सन हो गया ठीक है ई e. तो यहां पे आ, यहां पे ओके okay? ये तीन स्टेटमेंट हो गया तो इस तीन स्टेटमेंट से अगर तीन स्टेटमेंट को जोड़े जोड़े तो यहां ए बी का रिलेशन जो है डी ई सी के साथ नहीं ऐड हो रहा है तो ऑप्शन स्टेटमेंट ए जो है ये नहीं होगा ओके okay? इसको नहीं होगा अब देखते हैं स्टेटमेंट वन थ्री एंड फोर वन थ्री एंड फोर को जोड़ते हैं ए एंड बी वन कह रहा है ए एंड बी क्या है हमारा ए एंड बी कपल है अच्छा ये फर्स्ट हो गया स्टेटमेंट थ्री कह रहा है कि ई इज डी सन ई जो है डी का बेटा ई e जो है

ए एंड ए एंड सी आर सिस्टर तो ये सी हो जाएगा तो अगर इस स्टेटमेंट को भी जोड़े तो हमें ई e और बी के बीच में रिलेशन नहीं आ रहा है अब कह रहा ऑल फोर स्टेटमेंट टूगेदर आर सफिसियंट टू आंसर द क्वेश्चन अगर ये चारों स्टेटमेंट को जोड़ेंगे तो क्या आंसर दे सकते हैं तो यहां पे ये चीज आ गया और हमारे पास ए एंड सी सिस्टर आ गया एक स्टेटमेंट रह गया दो डी इज फादर ऑफ सी अब डी इज फादर ऑफ सी इसे अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये फादर हो गया तो अगर जैसे ही ऐड करेंगे तो ये फादर हो गया ये सन हो गया ये दोनों सिस्टर है ओके तो ये सिस्टर है सिस्टर तो ये फीमेल और ये फीमेल और ये मेल तो यहां से ये मेल और देखिए ए और सी सिस्टर हो गया ए बी जो है ए का पति हो गया तो इस हिसाब से ई e और बी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया जा सकता है तो यहां पे हम लोग ये कहेंगे कि ऑल फोर स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर नाइन इसका ऑप्शन सी सही होना चाहिए ऑप्शन सी यहां पे हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन सी इज राइट आंसर राइट क्वेश्चन नंबर टेन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जिसने भी इस क्वेश्चन को लीव किया होगा ना मतलब उसके मतलब बहुत ज्यादा मतलब लॉस हो गया होगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन क्वेश्चन uh, है चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर मतलब ऑड आउट करना है हमें यहाँ पे ठीक है तो कुछ नंबर की फर्स्ट सेट में देखिए कि सेवनटीन है ठीक है थर्टी सेवन है फोर्टी सेवन है और नाइनटी सेवन है तो देखिए एक से सौ तक ये सारे नंबर सेवनटीन थर्टी सेवन फोर्टी सेवन नाइनटी सेवन ये प्राइम नंबर है अगेन अगर ऑप्शन बी में देखते हैं थर्टी वन प्राइम नंबर है फोर्टी वन प्राइम नंबर है फिफ्टी थ्री प्राइम नंबर है सिक्सटी सेवन भी प्राइम नंबर है क्योंकि इसका कोई फैक्टर नहीं है सिमिलरली अगर हम ऑप्शन uh, सी देखते हैं तो सेवनटी वन ये भी प्राइम नंबर है सेवेंटी थ्री ये भी प्राइम नंबर है सेवनटी नाइन प्राइम नंबर है और एट्टी थ्री ये भी प्राइम नंबर है और लास्ट में हमारे पास एटी थ्री है ये भी प्राइम नंबर है एटी नाइन ये भी प्राइम नंबर है नाइनटी वन ये प्राइम नंबर नहीं है क्यों नहीं ये प्राइम नंबर अभी मैं बताता हूँ नाइनटी सेवन ये भी प्राइम नंबर है तो नाइनटी वन का दो फैक्टर है थर्टीन मल्टीप्लाई बाई सेवन तो यहाँ पे एक नंबर डाल दिया इस तरह से कि हाँ भाई ढूंढो जैसे व्हाट्सअप में क्वेश्चन पजल आता है ना कि एफ में बी छिपा दिया इसी तरह यहाँ पे एक पजल टाइप का क्वेश्चन दे दिया आपको कि यहाँ पे ढूंढना है कि किस ऑप्शन में प्राइम नंबर है तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ज़्यादा कुछ यहाँ पे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी सिर्फ और सिर्फ हमें देखना था कि कौन सा नंबर प्राइम है किस सेट में प्राइम है तो यहाँ पे ऑप्शन डी में हमारा जो नाइनटी वन है ये प्राइम नंबर है तो आपको अब आप लग गया होगा कि अगर ये क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे तो कितना बड़ा लॉस हुआ होगा ठीक है चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी पे हम लोग टिक मारेंगे आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ गया होगा सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बहुत सारे वीडियो भी मैं एक एक करके वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिससे कि सॉल्यूशन भी आपको समझ में आता जाए और आंसर भी आपको एग्जैक्ट मिले राइट एग्जैक्ट आंसर मिलने के लिए एक लॉजिकल वे में हमें सॉल्व भी करना होगा तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसलिए आप आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक है अपने फ्रेंड सर्कल में जो सॉल्यूशन है जो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अगेन बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन का अगर आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से निकाल सकते हैं और बहुत ही कम टाइम वाला क्वेश्चन है अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो लगेगा बहुत टफ क्वेश्चन ऐसा है नहीं चलिए क्वेश्चन कह रहा है लेट एक्स बी अ पॉजिटिव इंटीजर एक्स क्या कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर है जी चलो जी एक्स पॉजिटिव इंटीजर है तो वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है ओके सच डेट सेवन एक्स प्लस नाइनटी सिक्स इज डिविजिबल बाय एक्स सो सेवन एक्स प्लस नाइनटी सिक्स ये जो है अगर हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा क्वेश्चन ये कह रहा है कह रहा है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल कितने ऐसे एक्स की वैल्यूज होंगी जो कि पॉसिबल होगा ओके okay? सो so, अगर यहां पे देखिए अगर हम 7x डिवाइड बाई x हम लोग कर लें प्लस 96 डिवाइड बाई x कर लें तो यहां पे x और x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 7 96 डिवाइड बाई x अब x का वो कौन-कौन सा वैल्यू है जो 96 को डिवाइड करता है तो देखिए 1 डिवाइड करेगा 2 डिवाइड करेगा 3 डिवाइड करेगा 4 डिवाइड करेगा 5 नहीं करेगा 6 नहीं 6 छ कर सकता है डिवाइड छ हाँ छे कर लेगा फिर इसी तरह से हमें चेक करना पड़ेगा कितना डिवाइड हो सकता है तो क्या ये जो नंबर है ये कितना देखिए इसी को काउंट करना है एक दो तीन चार चार हो गया ओके सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है आ, क्या छह डिवाइड करेगा छह से देखेंगे छ तीन छता छे डिवाइड हो जाएगा ओके छे से डिवाइड हो जाएगा सात से नहीं होगा आठ से नहीं होगा बारह अठे छियानवे बारह आठ से हो जाएगा आठ भी डिवाइड करेगा इसके बाद बारह भी डिवाइड करेगा ओके फिर सोलह भी डिवाइड करेगा ओके सोलह के बाद फिर हमारे पास चौबीस भी डिवाइड करेगा चौबीस के बाद हमारा अड़तालीस भी डिवाइड करेगा और अड़तालीस के बाद हमारा छियानवे भी डिवाइड करेगा मतलब एक्स की वैल्यू ये सब होगी तो ये सारा का सारा डिवाइड होगा तो यहां पे देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह ऐसे नंबर आ रहे हैं जो कि ये डिवाइड हो रहा है और भी कोई नंबर है तो उसे हमें चेक करना होगा देखिए अगर ये फैक्टर वन टू तो तीन मल्टीप्लाई बाई दो दो मल्टीप्लाई बाई तीन तो छीन मल्टीप्लाई बाई चार है बारह है और तीन मल्टीप्लाई बाई चार, चार आ, ये हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाई बाई थ्री टल्टीप्लाई बाई सकता है नाइन नहीं टेन नहीं 10, नहीं, 11, नहीं 12, कर सकता है फिर हमारा ट्वेल्व के बाद 13, 14, 15, 16, कर सकता है 16 के बाद 17, 18, 19, ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर करेगा फिर ट्वेंटी 48 48 तो तो आप करें न, तो उसको ऑप्शन तो हाँ, तो बी सही होना चाहिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा राइट आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा यहाँ पे इसको करेक्ट करना होगा थोड़ा सा और क्योंकि यहाँ पे एक और फैक्टर निकल के आ रहा है जो डिवाइड करेगा और इसके बाद हम लोग एक चीज और देखेंगे देखिए अगर हम यहाँ पे तीन ले लें ठीक है ध्यान से देखेंगे वेट ए मिनट ये हमारा तीन ठीक है और ये हो गया हमारा बारह तो बारह मल्टीप्लाई बाई थ्री थर्टी सिक्स ओके तो सिक्स मल्टीप्लाई बाईन जीरो एट हो जाएगा तीन करेंगे अगर हम बत्तीस ले एक फैक्टर तो बत्तीस कैसे आ जाएगा आठ और चार के कॉम्बिनेशन से बत्तीस आ जाएगा आठ चौका बत्तीस तो ये सारे 32, 32 भी एक होगा, तो टोटल यहाँ पे बारह तो होगा नहीं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ट्वेल्व आएगा ओके एक चीज और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इस तरह के के क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ तो हमने एक्चुअल काउंटिंग से किया सो so, एक्स का अगर ये एक्स जो है नाइनटी सिक्स को डिवाइड करता है तो नाइनटी सिक्स से कितने फैक्टर होंगे ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सो नाइन्टी सिक्स अगर हम निकालें, फैक्टर निकालें प्राइम फैक्टराइजेशन से सो so, टू ये कितना हो जाएगा फोर्टी एट फोर्टी एट ठीक है फिर टू ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर फिर टू ये हो जाएगा हमारा ट्वेल्व ओके फिर टू ये हो जाएगा हमारा 6, फिर टू ये हमारा हो जाएगा तीन तो यहां पे देखिए दो का पावर 5 मल्टीप्लाई बाई थ्री का पावर वन ध्यान से देखेंगे इस तरीके से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो जो एक्सपोनेंट में होता है ना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है कि 96 से कितने ऐसे फैक्टर होंगे सो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर कितना so so so, so, चाहे आप ये अप्रोच ले अप्रोच ले इसका आंसर ट्वेल्व होगा यह चीज समझ में आ गया होगा ओके okay, चलिए अच्छा आप लोग से रिक्वेस्ट है और कंटेंट को शेयर जरूर करें चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एक बार फिर से यूपीएससी द्वारा दिया गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस क्वेश्चन को देख के मतलब आ, मुझे लगता है कि 100 में से 90 परसेंट स्टूडेंट इस क्वेश्चन को शायद ही कर पाएंगे क्योंकि ये इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है ना वो डिजिटल रूट का कॉन्सेप्ट है बहुत ही इजी है लेकिन जिनका आईक्यू लेवल सही होगा वो आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि यहाँ पे जो साइन है प्लस का यहाँ पे ये यह प्लस या माइनस लगा लेंगे या मल्टीप्लाई कर लेंगे ठीक है तो आप देखिए अगर ये साइन इस तरह का गिवन है तो सभी जगह यही साइन आने वाला है यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक जगह हम लोग प्लस कर लेंगे एक जगह हम लोग माइनस कर लेंगे ये देखिए ध्यान से मैं अभी बताता हूँ ये अगर ये साइन इस तरह से है तो अगर ये है तो अगर इसकी जगह प्लस करना है तो प्लस ही रखेंगे हर एक जगह माइनस अगर रखना है तो माइनस रखेंगे ऐसा नहीं कि एक जगह प्लस और एक जगह माइनस करके हम लोग कोशिश करेंगे निकालेंगे टाइम है बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे सेवन अगर हम यहाँ पे प्लस डालते हैं प्लस डाल सकते हैं या माइनस डाल सकते हैं या डिवीजन डाल सकते हैं तीन ही चीज डाल सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस डाल सकते हैं या डिवीजन डाल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन भी डाल सकते हैं तो सिंपल प्लस लेके चलते हैं तो सेवन प्लस नाइन प्लस टेन ये कितना हो गया ये हो गया ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स में दो डिजिट है टू प्लस सिक्स अगर हम इसको एड करते हैं तो ये आठ आ रहा है जो कि यहां पे हमारा मैच कर रहा है अगेन नाइन प्लस एलेवन प्लस थर्टी अगर इसको एड करते हैं तो ये कितना हो जाता है फिफ्टी हो जाता है ठीक है 50 में 5 प्लस जीरो, डिजिटल रूट क्या होता है कि जो सम होता है जो अगेन हम ग्यारह प्लस सत्रह प्लस इक्कीस अगर हम करते हैं तो इसको एड करेंगे तो ये अट्ठाइस प्लस ट्वेंटी वन ये हो जाएगा नाइन फोर्टी नाइन में फोर प्लस नाइन अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाता है थर्टीन थर्टीन yes, मैच कर रहा है तीनों हमारा आ गया तो लास्ट में हमारे पास हमारे पास क्या है ट्वेंटी थ्री प्लस फोर ये सत्ताइस हो जाएगा सत्ताईस 27 27 हो, हो जाएगा और बयालीस में हमें 4 2 करना होगा ठीक है पाँच चार नौ पांच चार नौ तीन बारह और हाँ बयालीस हो जाएगा बयालीस में फोर प्लस टू करना हो जाएगा ये सिक्स हो जाएगा बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा पुट किया हुआ बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही आईक्यू लेवल वाला क्वेश्चन है यहाँ पे डिजिटल रूट का तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को छोड़ना मतलब अपने मतलब बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपको तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही टफ क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है क्वेश्चन इतना मतलब इतना ट्रिकी है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे स्टूडेंट कर पाए होंगे फिर भी चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है एन जो कि बनता है बाय राइटिंग नाइन फॉर नाइनटी नाइन टाइम्स मतलब नौ को निन्यानवे बार लिखते हैं ठीक है नौ को निन्यानवे बार लिखते हैं ठीक है निन्यानवे टाइम्स इतना बार लिखने के बाद इस नंबर को तेरह से डिवाइड करते हैं। कितना से थर्टीन से डिवाइड करते हैं। तो रिमाइंडर क्या आएगा राइट right? तो रिमाइंडर क्या आएगा क्वेश्चन यही पूछ रहा है ओके okay? तो देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे ना तो बाइनोमियल uh, लगा सकते हैं इसमें बाइनोमियल से भी निकल जाएगा लेकिन बाइनोमियल यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कीजिए देखिए 99 को अगर हम 13 से डिवाइड करें तो थर्टीन सेवन जा नाइन्टी ठीक है तो ये डिवाइड नहीं हुआ पूरा तो हम यहाँ तक जाएंगे फिर अगर हम नाइन 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 देखिए कहाँ तक जाने के बाद ये डिवाइड हो जाता है तेरह से पूरा पूरी वो हम देखेंगे तो थर्टीन -ते, सेवन जा नाइन्टी वन ध्यान से देखेंगे सो ये हो गया एट नाइन इसके बाद हमारे पास सिक्स जा सेवेंटी एट हो जाएगा ओके तो ये हो जाएगा वन और ये वन ये उन्नीस आ जाएगा तेरह नमा एक सौ सत्रह वन सेवनटीन करेंगे तो ये दो आ जाएगा एगेन नाइन तेरह दो न छबीस एगेन आगे चलते देखते कहाँ तक तो होता है सो तीन और एक और नाइन तेरह तीन उनचालीस थर्टी नाइन इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड होगा कितना नाइन पे एक दो तीन चार पाँच नाइन पे ये पूरा पूरी डिवाइड हो गया अब यहाँ पे देखिए यही यही हम यहाँ पे करेंगे मतलब एक दो तीन चार पाँच छ अगर छ नाइन हो तो ये पूरा से नया ये थर्टीन से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा अगेन नाइन जो उतरेगा वापस ये भी डिवाइड हो जाएगा राइट किससे थर्टीन से मतलब छ का ब्लॉक डिवाइड हो रहा है इसका मतलब है कि जो नाइन्टी नाइन है इसमें अगर हम छाइन नाइन जो नौ है इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो सोलह छियानवे बैलेंस आएगा इसका मतलब है इसका मतलब है कि के छीन ब्लॉक्स बनेंगे नाइन के जो कि पूरा पूरी डिवाइड हो गया बचेगा लास्ट में क्या हमारे पास नाइन 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 क्यों बचेगा क्योंकि नाइनटी सिक्स नाइन तो यूज हो गया जो कि पूरा पूरी डिवाइड हो गया मतलब अगर छे छाइन का ब्लॉक है तो वो पूरा पूरा डिवाइड होगा बारह नाइन का ब्लॉक है तो वो भी पूरा पूरा थर्टी से डिवाइड होगा अगर अठारह नाइन का ब्लॉक है तो वो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो लास्ट में हमारे पास 96 ब्लॉक 96 सिक्स नाइन तक ये थर्टीन से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो लास्ट में हमारे पास कितने नाइन बचेंगे तीन इस तीन नाइन को हमें डिवाइड करना है थर्टीन से तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा थर्टीन सेवन जा नाइन्टी वन ये हो गया हमारा एट और ये नाइन थर्टीन सिक्स या सेवेंटी एट ये हो गया वन और ये हो गया वन तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है ये तीन नाइन के कारण आ जाएगा कितना हो गया यहाँ पे 11. तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए सही होगा बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये इस तरह के क्वेश्चन जो है मतलब ये क्वेश्चन uh, जो uh, uh, ये इसका लेवल जो काफी हाई है टफ क्वेश्चन में ये काउंटिंग किया जाता है आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा राइट क्वेश्चन नंबर एटीन ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है ईच डिजिट Of nine digit number is one. मतलब कि नौ डिजिट का नंबर है, है. Okay. So, nine. Nine है जिसमें हर एक डिजिट वन है और कह रहा है इट इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ मतलब सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा इसका स्क्वायर तो अब कि ये कह रहा है कि वॉट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर अब जो नंबर आएगा यहां पे जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई होके उस नंबर के डिजिट को अगर हम सम करते हैं तो क्या आएगा तो बहुत लंबा टास्क हो गया ये देखिए ये है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ देखिए एक सिंपल सा एक पैटर्न बनता है जब हम इलेवन मल्टीप्लाई बाई अलेवन करते हैं तो ये होता है वन टू वन अगर वन 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 मल्टीप्लाई बाई व तीन है तो वन टू थ्री तक जाएगा फिर रिवर्स में पैलिंड्रॉम बन जाते हैं अगर मल्टीप्लाई बाई वन 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 करेंगे चार बार तो ये वन टू थ्री फोर तक जाएगा फिर थ्री टू वन तक आ जाएगा ये सिंपल सा एक बेसिक आ, पैलिनड्रॉम नंबर है और ये अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होते कर रहे हैं तो इस चीज के बारे में आपको पता होगा ठीक है सो so, अगर यहाँ पे नौ डिजिट है सो वन 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 ये नौ डिजिट है ठीक है नौ डिजिट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कहाँ तक जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक जाएगा ठीक है और फिर ये रिवर्स बनेगा एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन इसका मतलब है ये जो नंबर है वन 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 इसका जो स्क्वायर करेंगे नौ डिजिट का इसका नंबर अब ये कह रहा है कि इसका डिजिट का जो जितने भी नंबर आए ना इसके सम क्या होंगे तो ध्यान से देखिए एक से नौ तक हम लोग ऐसे ले लेते हैं और एक से आठ तक ऐसे ले लेते हैं ठीक है दो पार्ट में डिवाइड कर तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, प्लस फोर प्लस सम ऑफ नेचुरल नंबर एन नेचुरल नंबर क्या होता है एन नेचुरल नंबर गिनती के जो नंबर होता है लगातार उसको एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू ये सम होता है ठीक है सम होता है ठीक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी हम लोग निकाल सकते हैं लेकिन ये आपको पता होगा तो यहाँ तक अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें एक नंबर यहाँ तक ले लें और इसके बाद आठ से यहाँ तक दोनों को सम करें तो क्या हो जाएगा पहला इसके लिए सम कितना हो जाएगा ध्यान से देखेंगे सो एन कितना है नाइन इंटू एन प्लस वन टेन डिवाइड बाई टू तो ये कितना हो जाएगा पाँच तो ये हो जाएगा पैंतालीस फोर्टी फाइव ओके और एक से आठ तक के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए एट मल्टीप्लाई बाई नाइन डिवाइड बाई एन इंटू एन प्लस वन टू, सो यहाँ पे टू करेंगे तो ये हो जाएगा चार तो ये छत्तीस हो गया अब इस दोनों को जोड़ना है सो फोर्टी फाइव प्लस थर्टी सिक्स छः पांच ग्यारह के एक हाथ में एक चार एक पांच पांच और तीन आठ एट्टी वन आ गया ठीक है समझ में आ रहा है तो इसका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये चलिए आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन है ये कह रहा है इज द क्वेश्चन नंबर इज द द सम ऑफ ऑल ऑल डिजिट इन इंटीजर्स फ्रॉम टू कह रहा है कि दस 10 से सौ तक नंबर हम लिखते हैं ठीक है तो जितने भी डिजिट आएंगे इसका सम क्या हो जाएगा तो देखिए दस से लिखना स्टार्ट अगर हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा 11 ध्यान से देखेंगे uh, 12 तो कहां तक आ जाएगा ये 19 तक तो ये टोटल 10 नंबर हो गया 0 से 9 तक फिर 21 से स्टार्ट होगा ठीक है फिर 22 ये कहां तक जाएगा 29 तक फिर 31 करते-करते ये 90 uh, 90 से स्टार्ट होगा uh, 91 से स्टार्ट होगा कहां तक जाएगा 99 तक तो ये 10 नंबर हो गए ठीक है 91 से uh, ये 10 से है और ये नाइनटीन तक हो गया ये 20 से स्टार्ट होगा और ये 90 से स्टार्ट होगा तो ये 99 नाइन दस नंबर अच्छा अब इसमें देखिए इसमें वन जो है कितने बार आ रहा है दस बार आ रहा है सेकेंड में 20 वाले सीरीज में टू कितने बार आएगा दस बार आएगा सिमिलरली ये जो है नाइन कितने बार आएगा दस बार आएगा सो so, एक से नौ देखिए ध्यान से अगर हम टेंथ प्लेस को ऐड करना चाहें तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन मल्टीप्लाई बाई टेन क्योंकि वन दस बार आ रहा है प्लस टू मल्टीप्लाई बाई टेन क्योंकि दो दस बार आ रहा है सिमिलरली ये कहां तक आ जाएगा हमारा नाइन मल्टीप्लाई बाई टेन ठीक है ये टेंथ प्लेस को ऐड कर रहा है ठीक है कौन सा प्लेस को ये वाला प्लेस को ये वाला प्लेस को टेंथ प्लेस, 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 प्लेस को भी ऐड नहीं कर रहा है ओके सो so, ये हो गया हमारा तो इसमें देखिए दस में इसमें समय दस कॉमन है दस कॉमा ले लेंगे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस कितना तक नाइन तक जाएगा ठीक है सो टेन मल्टीप्लाई जाएगा नाइन तक करना नाइन मल्टीप्लाई बाई टू आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा अभी हमने किया था एन इंटू एन प्लस हो गया हमारा कितना आ, ये हो गया पांच बार में चला जाएगा तो ये पचास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई नाइन तो ये सारे चार सौ हो गए चार सौ पचास नंबर हो गया कौन सा साढ़े पचास चार हजार पचास कौन सा होगा सॉरी चार सौ पचास कौन सा होगा जो टेंथ प्लेस पे डिजिट होगा उसका सम ओके अब आते हैं यूनिट प्लेस में तो हर एक यूनिट प्लेस में आप अगर देखेंगे जीरो से नौ तक सम करना है मतलब यूनिट प्लेस में जो भी नंबर आएगा उसका जो सम होगा वो कितना होगा आ, ये होगा अच्छा यहां पे ठीक है ओके तो वो होगा जीरो प्लस वन प्लस टू अप टू 9 तक और कहां से तो ये कितने बार होगा देखिए दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे तो ये कितने बार बार होगा बार होगा नौ ओके सो वी हैव हमारा आ जाएगा ये हो जाएगा कितना पांच ओके okay? तो हो गया आ, नौ पचे पैतालीस पैंतालीस मल्टीप्लाई बाई नाइन ओके नौ पचे पांच हाथ में चार और नौ छत्तीस और चार चालीस तो ये हो गया चार सौ पांच सो वी हैव चार सौ पांच कहां तक आएगा निन्यानवे तक और एक और नंबर बच गया क्या हंड्रेड उसका जो सम होगा वन प्लस जीरो प्लस जीरो वन सो टोटल हो गया चार सौ पचास चार सौ पांच और एक किसका हंड्रेड का वन प्लस जीरो प्लस जीरो 100 में तो प्लस प्लस तो इसका इसका सम आएगा ठीक है सो ये so, ये हो जाएगा च, आ, और चा, 856. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा 856 भी इसका सही होगा ऑप्शन सही ओके बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये ऐसा नहीं कि है। इसको हम लोग टफ रेंज में रखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कह रहा है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर तो एक स्क्वायर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट ए बी सी डी कह रहा है कि ये एक स्क्वायर हमने स्क्वायर को ड्रॉ कर लिया ओके आगे देखते हैं क्या कह रहा है ऑन पॉइंट वन पॉइंट ऑन ईच एबी एंड सी डी वन पॉइंट ऑन ईच ए बी एंड सी डी तो ए बी सी डी पर नाम दे देते इसका सो दिस इज ए बी सी डी अब ए बी पे एक पॉइंट कहीं पे ले लिया सपोज ये पॉइंट ये ले लिया ए बी पे और सी डी पे एक पॉइंट ले लिया सपोज सी डी पे ये एक पॉइंट ले लिया ओके एंड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन ईच बी सी एंड डी ए बी सी पे दो अलग अलग पॉइंट अलग अलग पॉइंट यहाँ पे ले लिया और ए डी पे भी दो अलग अलग पॉइंट यहाँ पे ले लिया ओके okay. अब कह रहा है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी थ्री पॉइंट एज वर्टिस आउट ऑफ दि सिक्स पॉइंट अब आप ध्यान से देखिए कि जो पॉइंट है ना साइड्स पे कॉर्नर पे नहीं है इसका मतलब है कि कोई भी पॉइंट ना तो ए पे ए के कॉर्नर पे है ना तो बी के कॉर्नर पे है ना तो सी के कॉर्नर पे है ना तो डी के कॉर्नर तो तो मतलब कोई भी तीन पॉइंट को लीनियर पॉइंट नहीं होंगे एक लाइन में नहीं होंगे नॉट ऑल नॉट एनी थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर तो इसका मतलब है कि हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स पॉइंट है और हमें क्या फाइंड करना है हमें बनाना है डिस्टिंक्ट ड्राइंगल राइट तो हमें सिक्स पॉइंट में से कोई भी तीन पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा सो सिक्स थ्री इसी को हमें सॉल्व करना है तो एन सी आर क्या होता है फैक्टोरियल एन दैट इज फैक्टोरियल सिक्स डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर डिवाइड बाई एन माइनस आर सो सिक्स माइनस थ्री का फैक्टर फैक्टोरियल बहुत ही इजी सा क्वेश्चन ज्यादा ये टफ क्वेश्चन नहीं है सो फैक्टोरियल सिक्स डिवाइड बाई फैक्टोरियल थ्री सिक्स माइनस थ्री ये हो जाएगा फैक्टोरियल थ्री सो छ मल्टीप्लाई बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल थ्री और फैक्टोरियल थ्री एक ऐसा एच रहने देते दूसरे के लिए तीन मल्टीप्लाई बाई टू कर लेते हैं ठीक है मल्टीप्लाई बाई वन अब इस फैक्टोरियल थ्री से ये वाला फैक्टोरियल थ्री कैंसिल हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाई टू सिक्स सिक्स कैंसिल हो जाएगा पाँच चौका बीस सो so यहाँ पे हमारा बीस आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सही होना चाहिए ऑप्शन सी बीस ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी भी हो गया आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि तो ये जो है मतलब आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है आने वाले टाइम में भी आगे चलते हैं जितना अधिक दिख से अधिक हो आप शेयर भी कर सकते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्या क्यू आर एस टी इसमें से तीन जो है इवेन है मतलब सम संख्या है तो पांच पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू आर एस टी तो तीन क्या है हमारे पास इवेन नंबर है और दो ऑड है नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर कंसिडर द फॉलोइंग सो पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी ठीक है इज डेफिनेटली इवेंट क्या ये डेफिनेटली इवेन होगा अब ध्यान से देखें हमारे पास दो ऑड संख्या को अगर हम ऐड करते हैं ठीक है तो ये हमारा इवेन बनता है ठीक है अगर दो इवन संख्या को अगर हम ऐड करेंगे सम संख्या को ऐड करेंगे तो ये भी इवन बनता है अगर एक ऑड और, और एक इवन संख्या को ऐड करेंगे तो ये हमारा ऑड बनता है और अगर हाँ ठीक है ये तीन चीज हो गया ऑड बनेगा सो अब यहाँ पे देखिए क्या ये जो है p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी ये क्या डेफिनेटली इवन होगा अब यहां पे ज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है ये हमारा P मान लेते हैं कि इवन है सपोज मान लेते इवन है इवन है इवन है मान लेते हैं ये ऑड है और ये ऑड है तो देखिए यहां से आ, इवे, ये दो नंबर इवन प्लस इवन हो गया ठीक है और ये इवन हो जाएगा क्योंकि तो माइनस एस माइनस टी है इवन हो जाएगा ओके राइट और तो ये दो सं दो इवन और, और संग, ये जो है पी प्लस क्यू दो इवन संख्या इसको माना है तो इसका सम इवन होगा दो ऑट संख्या चूंकि माइनस में है तो इसका भी सम इवन होगा और घटाएंगे ये जो आर है आर अगर इवन है चूंकि तीन हमें इवन मानना है तो आर अगर इवन है इवन में से इवन घटाएंगे तो इवन आएगा तो अगर इस तरह से लिया कि एक माइनस वाला दोनों में से दोनों माइनस एस और टी को अगर हम लोग इवन लेते हैं तो ये इवन बन रहा है अब क्या करते हैं कि पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी ठीक है अब इसमें एस को मान लेते हैं कि ये हमारा ऑड है और टी को मान लेते हैं कि ये इवन है ठीक है आर को मान लेते हैं ऑड है पी को इवेन मान लेते हैं और क्यू है, को इवन और पी को, को भी इवेन मान लेते हैं चलिए तो अब इस हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये देखिए ये इवेंट प्लस इवेंट ये क्या हो गया हमारा इवेंट हो गया ओके okay, अब इस इस में से इवेंट को घटाएंगे दो इवेंट में से घटाएंगे ये ये p Q T, अगर तो again, p अगर घटाएंगे तो अगेन भी इवेंट हो जाएगा ओके okay, अब ये ऑड है और ये एक ऑड है तो ऑड में से ऑड को घटाएंगे तो ये इवेंट होता है ऑड में से ऑड में से ऑड नंबर को घटाएंगे तो ये इवेंट होगा तो इस केस में भी हमारा क्या रहा है इन आ रहा है ओके सो so, यहाँ पे हमने दो केस देखा इस दोनों केस में इवेन आ रहा है अब एक और काम एक कर लेते हैं कि अगर एक और रैंडमली हम चेक कर लेते हैं p प्लस क्यू प्लस आर इसमें से हम p प्लस क्यूब को और ले लेते हैं p प्लस क्यू को यहाँ पे और ले लिया सपोज तीन क्यूब और ले लिया पांच r ई ले लिया ठीक है तो ये दो और माइनस एस ये रेंडमली हम ले रहे हैं एस हम लोग ये हमने दो और ले लिया प्लस में ठीक है और इवेन माइनस और माइनस टू माइनस फोर इस तरह से ले लिया ये तीन ये लास्ट वाला तीन हमारा इवन है और प्रेंग प्रेंग तो ये ये दोनों सम कितना हो गया एट प्लस छ माइनस दो माइनस चार केस में भी हमारा इवेन आ रहा है तो आप जैसे भी समझेंगे ये हमारा इवेंट आ जाएगा ओके अब राइट अब यहां पर तो इसका मतलब है कि हमारा जो है ये पार्ट फर्स्ट uh, जो है हमारा सही है डेफिनेटली सही है कि ये इवेंट होगा ओके okay? अब कह रहा है कि यहां पे सेकंड कह रहा है कि ये होगा. So, क्या ये डेफिनेटली डेफिनेटली ऑड ऑड होगा सो क्या होगा अगर ये हमारा पी अगर हम लोग इवन लेते हैं सॉरी ऑड लेते हैं तो ये हमारा ऑड हो जाएगा इवन हो जाएगा पी अगर ऑड लेंगे तो टू पी इवन ये अगर हम ऑड ले तो ये भी इवन ओके okay? तो ये दोनों इवन हो गया और बाकी सब इवन है तो क्या ये डेफिनेटली ऑड होगा तो ऑड नहीं होगा क्योंकि अगर P हमारा ऑड है तो टू पी इवन हो जाएगा आर अगर ऑड है तो ये हमारा इवन हो जाएगा इवन 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 प्लस बाकी सारे नंबर हमारे इवन है तो क्या ये डेफिनेटली ऑड होगा कि यह नहीं होगा तो ऑप्शन दो सही नहीं होगा तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है इस क्वेश्चन में तो चौबीस uh, का आई थिंक ऑप्शन ए सही होना चाहिए तो ऑप्शन ए चौबीस का ये सही होगा ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसको ये भी क्वेश्चन ट्वेंटी फोर का हो गया हमारा क्वेश्चन आगे देखते हैं फॉलोइंगी एंड कंपोजिट number सी प्राइम नंबर जिसका कोई फैक्टर नहीं हो मतलब जो uh, इवन होता है सब प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर होते हैं ओके okay, फैक्टर में हम ले लेते हैं एक कंपोजिट नंबर सिक्स ले सकते हैं या फिर एट ले सकते हैं तो सिक्स ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को करने के लिए अब क्या रहा है पी प्लस सी डिवाइड बाई पी माइनस सी कैन बी इवन तो p है प्राइम तो अगर हम आ, ये हम टू लेट नंबर सिक्स ले लें टू प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू माइनस सिक्स तो ये हो जाएगा एट डिवाइड बाई माइनस फोर तो ये हमारा आ रहा है माइनस टू जो कि इवन नंबर है तो कैन बी इवन तो पहला तो ऑप्शन हो सकता है ये हो सकता है ठीक है आप कह टू पी प्लस सी कैन बी ऑड तो देखिए टू इंटू प्राइम नंबर टू लेते हैं और प्लस सी सी कौन सा ले सकते हैं uh, कोई ऐसा नंबर जो कि कंपोजिट हो पंद्रह ले, ले लेते हैं कंपोजिट नंबर है पंद्रह तो ये उन्नीस हो गया ये कैन बी ऑड हो सकता है यस दिस कैन बी ऑड ऑप्शन दो भी हो सकता है ओके और कह रहा है पी सी कैन बी ऑड पी प्राइम नंबर टू ले लेते हैं या फिर दो नहीं लेके हम तीन लेते हैं और एक हम आ, चार ले, ले आ, कितना लेते हैं पी सी सो यहाँ पे अगर हम एक प्राइम नंबर थ्री ले लिए और आ, दूसरा जो कंपोजिट नंबर है वो हम ले लेते ले 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 हैं सपोज एटीन यहाँ पे एटी कोई एक ऐसा नंबर जिसके कारण ये ऑड बन सकता चलिए ट्वेंटी वन ले लेते हैं ट्वेंटी वन इज ए कंपोजिट नंबर तो क्यों कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये थ्री और सात का मल्टीप्लीकेशन तो अगर हम तीन एक प्राइम नंबर है और ट्वेंटी वन एक कंपोजिट नंबर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा सिक्सटी थ्री बन जाएगा और सिक्सटी थ्री हमारा क्या है ऑड नंबर तो आप कोई भी नंबर लेके खुद से भी कर सकते हैं तो ऑप्शन थ्री भी सही होगा तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन डी सही होना चाहिए ये ऑप्शन हमें ज़्यादा बेस्ट लग रहा है सो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का सही होना चाहिए आगे चलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं ओके ओके अब ये क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को अ थ्री डिजिट नंबर एबीसी ऑन मल्टीप्लिकेशन विथ डी गिव्स 37डीडी तो ए बी सी इसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो थ्री 37 डीडी आ रहा है वेयर ए बी सी डी आर डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अब आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को तो हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो या तो हम नंबर निकालने ए बी सी और उसका डिजिट ऐड कर देखते क्या कर सकते हैं इसमें तो अगर यहां पे ओके okay, डी है यहां पे ठीक है डी को सी से मल्टीप्लाई करना है तो कोई भी नंबर कोई भी नंबर मल्टीप्लीकेशन होके सेम आएगा तो या तो एक से मल्टीप्लाई होगा या फिर जैसे हमने यहाँ पे देखा नंबर क्या हो सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है और नाइन तो अगर कोई भी नंबर डी मान ले वन से लेके नाइन तक है तो सी वन होना चाहिए तो सी में भी वन डी कुछ भी हो सकता है एक को छोड़ के ठीक है आ, अच्छा और भी कोई पॉसिबिलिटीज बनता है तो अगर सी इज इक्वल टू हम फोर लेते हैं और डी इज इक्वल टू सिक्स लेते हैं तो अगर ए बी सी सी इज इक्वल टू फोर लेते हैं और डी इज इक्वल टू सिक्स लेते हैं तो यहां पे कोई पॉसिबिलिटी बन जाएगा छोबीस तो ये चार आ जाएगा अगर यहां पे बी इज इक्वल टू सिक्स लेते हैं और ये फोर लेते हैं ध्यान से देखें डी इज इक्वल टू फोर तो चार मल्टीप्लाई बाई छोबीस आ जाता है राइट right, ये चौबीस आ जाता है हैंड टू आ गया ओके हैंड टू आ गया अगर यहां पे बी क्योंकि यहाँ पे फोर है और फिर डी और डी आना है यहां भी फोर आना है तो बी को क्या होना चाहिए यहाँ पे बी को आई थिंक थ्री होना चाहिए क्योंकि चार दिया बारह प्लस दो चौदह तो बी क्या हो सकता है तीन हो सकता है 4 चार दिया बारह दो चौदह का चार हाथ में एक और ए कितना हो सकता है ए नौ होगा तभी तो नौ चक छत्तीस और एक सैंतीस थ्री सेवन फोर फोर होगा तो एक तो ये हो सकता है सी लेकिन सी के केस में अगर हम करेंगे तो हमारे पास करके देखते हैं करके देखिए इसमें हो सकता कि नहीं आए एक यही हमें बेस्ट ऑप्शन लग रहा है थ्री सेवन फोर फोर बाकी ये दो नंबर सेम हो जाते हैं बट ये थर्टी सिक्स आता है या थर्टी एट आता है तो ये नहीं हो पाता सो नंबर हो गया नाइन थ्री सिक्स नौ सौ छत्तीस को अगर चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो नौ चौका छत्तीस और छत्तीस दोनों बहत्तर दोनों एक सौ चौवालीस सेम से सौ चौवालीस आ रहा है

तो आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले लें ठीक है अब सिक्स डिजिट नंबर तो जीरो तो होगा नहीं सिक्स डिजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय अब देखिए यहां पे नंबर क्या है किसके फॉर्म में एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड अच्छा एनी चॉइस कर रहा है तो ये डिफरेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहां पे एक चीज देखिए कि अगर हम ऑड प्लेस को ऐड करें ठीक है ये वाला तो क्या हो जाएगा ये y प्लस एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑड प्लेस है और इवन प्लेस को ये वाला ये वाला और ये वाला इवन प्लेस को अगर जोड़े तो ये भी एक्स प्लस जेड प्लेसिट और इवन प्लेस का सम ऑफ डिजिटल डिफरेंस क्या हो रहा है जीरो तो जब भी ऑर्ड प्लेस का डिजिट सम ऑफ डिजिट माइनस इवन प्लेस का सम ऑफ डिजिट जीरो हो हो जाता है, ठीक है? Zero हो जाता है 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 ठीक जीरो तो वो इलेवन से डिविजिबल होता है तो एक तो तय हो गया कि ये जो नंबर इस तरह का फॉर्म का जो भी नंबर होगा वो इलेवन से डिविजिबल होगा तो यहां पे एक ऑप्शन सी है जिसको हम इलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इलेवन से डिविजिबल है ये ऑप्शन सी नहीं होगा अब हमें चेक करना है अच्छा एलेवन तीनों में है अब हमें चेक करना है सात से और थर्टीन से तो इसके लिए क्या करेंगे क्योंकि एक्स वाई जी एक्स वाई जेड के लिए कोई कोई भी ऐसा नहीं है कि डिफरेंट एनी चॉइस है तो हम एक्स वाई जेड वन 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 ले सकते सो वन 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 ऐसे ले लिया ठीक है अब ओके okay, अब चूंकि ये ग्यारह से डिविजिबल है चलिए ग्यारह से डिविजिबल किया हमने इसको तो ग्यारह कन ग्यारह ठीक है 11 ग्यारह से डिविजिबल कर दिया इसको ग्यारह कन ग्यारह एक निकाला जीरो फिर एक निकाला ग्यारह कन ग्यारह ठीक है आ, ये ये दोनों हो गया ये, हो गया ये हो गया ये हो गया फिर एक निकाला फिर जीरो और 1, 0, 1, 0, 1, एक ग्यारह कन ग्यारह दस हजार एक सौ एक यही होगा ना वन जीरो वन जीरो वन इसको ग्यारह से मल्टीप्लाई करके देखिए वन जीरो वन जीरो वन डिजिट तो मल्टीप्लाई नंबर को सेवन से डिवाइड करके देखते हैं वन जीरो सेवन से भी चेक करना है सात से डिवाइड करके देखते हैं सात सात ये हो गया तीन वन सात छाइस ये हो गया कितना uh, तीन जीरो uh, सात चक अट्ठाईस ये हो गया दो और ये वन और सात इक्कीस मतलब इसको हम लिख सकते हैं ग्यारह मल्टीप्लाई बाई सात मल्टीप्लाई बाई ये नंबर आया चौदह सौ तैंतालीस चौदह सौ तैंतालीस अब इस नंबर को तेरह से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये है? तेरह से डिविजिबल है आई थिंक है ये वन फोर फोर थ्री अगर तेरह से डिवाइड करते हैं वन चार वन तेरह वन तेरह तो ये हो जाएगा एक सौ ग्यारह सो ग्यारह मल्टीप्लाई बाई सात मल्टीप्लाई बाई तेरह मल्टीप्लाई बाई एक सौ ग्यारह और एक सौ ग्यारह का भी दो फैक्टर होता सैंतीस मल्टीप्लाई बाई तीन ठीक है सो so, इस नंबर का ये जो नंबर है वोन, 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 इसका जो फैक्टर मल्टीप्लाई बाई सेवन मल्टीप्लाई बाई थर्टीन मल्टीप्लाई बाई थर्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई थ्री ये नंबर भी थर्टीन से डिविजिबल होगा मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा बहुत ही शानदार तरह का क्वेश्चन है अच्छा इसमें डिविजिबिलिटी थर्टीन से जो करते हैं ना या नावन सेवन से तो डिविजिबिलिटी चेक करने का भी अलग अलग तरीका होता है तो वो यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले नहीं है फिलहाल आप थर्टी ट्वेंटी सेवन का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन कह रहा है ट्वेंटी एट ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एक सौ पच्चीस आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेन्ज इन द द्यूब मतलब एक सौ पच्चीस है आइडेंटिकल क्यूब अरेंज किया गया laser, एक क्यूब में तो अगर एक साइड में क्यूब कैसा होता है ऐसा जिसके तीन साइड होते हैं ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को तो 125 है तो पांच पांच का बना होगा एक दो तीन चार पांच पांच ऐसे पांच फिर ऐसे बना होगा ठीक है ठीक है इस तरह से और पांच फिर बैक साइड में इस तरह से बना होगा पाँच पाँच ठीक है समझ में आ रहा है इस तरह से क्यूब बना होगा तो फेस क्या होगा पाँच पाँच का होगा ठीक है तो ओके तो एक साइड में पांच होगा ऐसे ध्यान से देखिए एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार एक दो तीन और भी दो आ जाएगा इस तरह से एक साइड का क्यूब होगा पांच तरह का ठीक है अब समझ में आ गया अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड हर एक साइड से मतलब इसके कितने साइड्स है छह साइड्स हैं तो यहां पे पांच क्यूब जो है एक दो तीन चार ये चार हो गया और एक और लाइन आ जाएगा यहां यह एक दो तीन चार पांच तो ये जो पांच फ्रंट वाला जो क्यूब है डेट इज पच्चीस क्यूब है ये अंदर वाले कितने क्यूब होंगे एक दो तीन ये क्रॉस में कर रहा हूं ये वाला क्रॉस इसको सराउंड होंगे तभी तो ये बना होगा ठीक है तो ये कितने है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ ठीक है नौ मतलब यहां पे इस चीज को ध्यान क्यूब बराबर 125 और इससे जस्ट जो छोटा क्यूब होगा जिसको सराउंड किया होगा उसके लिए एक साइड इधर से और एक साइड इधर से निकालना होगा तो तीन क्यूब को निकालना होगा डेट इज तीन क्या सत्ताईस तो ये जो सत्ताईस है सत्ताइस क्यूब को ये सराउंड किया होगा ठीक है या इस तरह समझिए कि 27 क्यूब जो होगा इसको फाइव का क्यूब को कवर किया हुआ कितना से एक सौ पच्चीस माइनस सत्ताईस से ये कवर का है तो पंद्रह में से सात गया आठ और बारह में से ग्यारह में से दो गया तो ये 98 एट क्यूब समझ में आ रहा है मतलब अगर थ्री के क्यूब को कवर करना है तो 98 एट क्यूब की जरूरत होगी और जो कवर किया होगा अंदर वाला वो कितना है ट्वेंटी सेवन तो इसका आंसर ट्वेंटी एट का ट्वेंटी सेवन होना चाहिए ऑप्शन ए इसका सही होगा ओके okay, आगे चलते हैं बहुत ही शान बहुत ही क्वेश्चन है ओके सो दिस क्वेश्चन इज अगेन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है हाउ मेनी एट डिजिट नंबर कैन बी फॉन्न बाई री अरेजिंग द डिजिट ऑफ नंबर वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर सच डेट ऑर डिजिट ऑक्युपाई ऑट पोजिशन एंड इवेंट डिजिट ऑकुपाई इवेंट पोजिशन मतलब कह रहा है ऑट डिजिट एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ नंबर है ना हाँ आठ नंबर और डिजिट क्या हो गया ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला ये और डिजिट इस पे क्या क्या आ सकता है इस पे या तो वन आ, वन वन आ सकता है या टू टू थ्री थ्री आ सकता है तो ये वन या थ्री आ सकता है वन या थ्री आ सकता है यहाँ पे भी वन या थ्री और यहाँ पे भी वन या थ्री तो कितने तरीके से हम लोग भर सकते हैं इसको तो हमारे पास टोटल कितने हैं एक दो तीन चार चार ऑड डिजिट हैं, ठीक है चार ऑड डिजिट है और चार इवेन डिजिट है तो चार ऑड डिजिट को चार प्लेस पे फैक्टोरियल फोर तरीके से भर सकते हैं ठीक है चार इवेन डिजिट को चार चार इवेन प्लेस पे फैक्टोरियल फोर तरीके से भर सकते हैं अब यहाँ पे जो चार ऑड डिजिट है इसमें दो डिजिट वन वन दो है दो बार आया है और थ्री थ्री दो बार आया है सो फैक्टोरियल टू से हमें डिवाइड करना होगा इससे भी फैक्टोरियल टू से क्यों क्योंकि तो दो 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 बार आया और फोर फोर दो बार आया तो हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल फोर डिवाइड बाई फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल टू सो फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल टू डिवाइड बाई फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल टू का मान दो तो है ए ये कट जाएगा और ये हो जाएगा दो एक दो नार तीन दोना छः हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक छः और सेम चीज यहाँ पे इसका भी मान छः हो जाएगा छताए छत्तीस तो आई होप इसका आई थिंक इसका आंसर जो है 29 का सी ऑप्शन सही होना चाहिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा राइट उन्तीस क्वेश्चन हो गया और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहां नंबर थर्टी बहुत ही शानदार क्वेश्चन लग रहा है वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है एक क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को करके कह रहा है एबीसी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एट सिक्सटीन और ट्वेल्व कहने का मतलब क्या है इसका इसका कहने का मतलब है ए किसी काम को आठ दिन में कर सकता है बी उसी काम को सोलह दिन में कर सकता है और सी उसी काम को बारह दिन में कर सकता है ये कह रहा है इंडिपेंडेंटली अलग अलग अब ये कह रहा है कि ए अकेला काम करता है मंडे को सो so मंडे को ए काम करता है फिर कह रहा है कि बी एलोन वर्क ट्यूजडे ट्यूजडे को बी करता है और फिर उसके बाद सी एलोन वर्क एंड वेंसडे तो सी वेंसडे को अकेला काम करता है एंड एगेन वर्क्स ऑन फिर ए बी सी ए बी सी ए बी सी चलता जाएगा मतलब मंडे टूजे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे सं्यूजडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इस तरह से काम करता चलाएगा ए बी सी फिर ए बी सी फिर ए बी सी फिर ए बी सी फिर ए बी सी इस तरह से काम चलता जाएगा अब क्वेश्चन क्या रहा है अगेन ऑन थर्सडे सो ऑन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्स्ट डे वर्क कौन से दिन को खत्म होगा ये कह रहा है द वर्क विल बी फिनिश्ड इन टेन डेज वर्क जो है दस दिन में खत्म होगा और कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है ओके okay, अब देखिए ध्यान से कि ए जो है काम कर रहा है उस काम को आठ दिन में खत्म करेगा तो एक दिन का काम कितना होगा एक बट्टा आठ होगा पूरे काम को आठ दिन में खत्म कर रहा है तो मतलब एक दिन में उसका एट्थ पार्ट ही कर पाएगा बी काम को सोलह दिन में खत्म कर रहा है तो एक दिन में वन ओवर सिक्सटीन ही काम कर पाएगा और सी एक दिन में वन ओवर ट्वेल्व ही काम कर पाएगा इसका मतलब वन ओवर एट यहाँ पे हो जाएगा वन ओवर सिक्सटीन यहाँ पे हो जाएगा वन ओवर ट्वेल्व यहाँ पे हो जाएगा चलिए इस ब्लॉक को देख लेते हैं तो इसका एलसी 96 सिक्स हो जाएगा तो बारह अठे छियानवे सोलह छियानवे और बारह अट्ठे छियानवे ठीक है तो ये होगा बारह आठ बीस छब्बीस बटा छियानवे छब्बीस बटा छियानवे तो छब्बीस बटा छियानवे जो है तीन दिन में काम होगा फिर एबीसी यहाँ काम करेगा तो छब्बीस बटा छियानवे यहाँ पे भी काम हो जाएगा ओके फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन ये छब्बीस बटा, बटा, तो जो कि एबीसी एबीसी ए बी सी तक यहाँ तक किया तो छब्बीस दिया कितना हो गया बीस और छत्तीस अठारह ठीक है साठ अठारह तो बीस और छत्तीसगढ़ अठासी बट्टा छियानवे काम हो गया ठीक है कितने दिन में नौ दिन में क्योंकि तीन तीन का ब्लॉक है दिन में अठासी बटा छियानवे काम हो गया तो बचा कितना काम बचा हमारा रेस्ट काम रेस्ट पूरा काम कितना होता है होता है सो so तो बचा हुआ काम सोलह में से आठ बट्टा छियानबे मतलब कितना काम हो गया एक बट्टा बारह काम बचा हुआ है अभी भी एक बट्टा बारह काम अभी भी बचा हुआ है अब ए जो है यहाँ पे काम करेगा कितना वन ओवर एट चूंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ तो एक अगर वन ओवर एट काम कंप्लीट कर लेता है तो कितना बच जाएगा िनट uh, uh, ये जो है यहाँ पे करना होगा ये 88 नहीं होगा ये नहीं क्योंकि क्योंकि छब्बीस मल्टीप्लाई बाय तीन करेंगे so, तो तो थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं वन माइनस सेवेंटी एट ओवर नाइनटी सिक्स ये काम बचा हुआ है सो so 96 सिक्स 96 78, 16 में से आठ गया आठ ठीक है और आठ में से एक गया, 96, इसको कर लेते हैं दो नड़तालीस नौ बटा अड़तालीस काम बचा ओके राइट सो अब जो है यहां पे इस दिन दसवें दिन ये एक बटा आठ काम कर लेगा सो आ, नौ बट्टा बचा हुआ था इसमें से ए अगर एक आठ काम कर लेता है तो अड़तालीस हो जाएगा यहाँ नाइन माइनस आठ हो जाएगा एक बटा फोर्टी एट काम अभी भी रह गया ठीक है ओके कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे सिक्स में से आठ गया सोलह में से आठ गया आठ और आठ में ठीक हाँ, है छब्बीस मल्टीप्लाई बाई तीन यहाँ पे क्षेत्र छह एक साथ सेवेंटी एट ओवर नाइन सिक्स तो नाइन ओवर फोर्टी एट काम बच गया था नाइन ओवर फोर्टी एट काम में से एक बटा आठ काम कर लिया कौन से दिन में ये हमारा वेन्सडे को हो गया खत्म ठीक है एक बटा तो एक बटा अड़तालीस काम अभी भी बच गया और एक बटा अड़तालीस काम जो है आ, बी को करना होगा क्योंकि बी जो है एक बटा सोलह काम कर सकता है तो इससे कम ही है एक बटा अड़तालीस एक बटा सोलह से कम है तो थर्सडे को काम फिनिश होगा तो वर्क विल बी फिनिश ऑन थर्सडे ऑप्शन एक सही हो जाएगा दिन काउंट करना होगा दिन क्या हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारहवें दिन जाके काम खत्म हो रहा है तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन वन सही होना चाहिए ओके ओके सिर्फ ऑप्शन एक सही होना चाहिए क्योंकि वर्क दस दिन में खत्म नहीं हो रहा है ग्यारहवें दिन में खत्म हो रहा है तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा एंजॉय कर रहे होंगे अभी तक के क्वेश्चन को तो अभी तक हमने थर्टी किया नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर और क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर कहता है राज हैज टेन पेयर्स ऑफ रेड नाइन पेयर्स ऑफ व्हाइट एंड एट पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज इन ए बॉक्स तो राज के पास रेड है इसके बाद व्हाइट है और ब्लैक है रेड कितना है टेन पेयर है ठीक है टेन पेयर का मतलब कितना हो गया बीस मल्टीप्लाई बाई टू कर देंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं बीस वाइट कितना है हमारे पास नाइन पेयर नाइन नाइन पेयर है तो मल्टीप्लाई बाई टू कर देंगे यहाँ पे तो यह कितना हो जाएगा अठारह और ब्लैक शूज uh, का कितना पेयर है एट ब्लैक शूज का पेयर एट है मल्टीप्लाई बाई टू डेट इज सिक्सटीन ओके इतना हो गया क्वेश्चन कह रहा है इफ ही रैंडमली पिक शूज वन ये सारे एक बॉक्स में है ठीक है इन ए बॉक्स यहाँ पे गिबेन है ठीक है एफ ही रैंडमली पिक शूज वन बाई वन विद रिप्लेसमेंट एक निकाल के बाहर फिर एक निकाल के बाहर रिप्लेस नहीं कर रहा है फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अड रेड पेयर उसे चाहिए शूड वियर देन वाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्टी है कितना अटैम्प्ट लेना पड़ेगा उससे जिससे कि उसके पास रेड शूज आ जाए मैक्सिमम नंबर कह रहा है ठीक है देखिए अगर मैक्सिमम नंबर है तो इसका मतलब यह है कि रेड शूज पहले नहीं आए तो पहले या तो व्हाइट आए और ब्लैक आए तो देखिए एक एक करके निकालेगा तो अगर पहले ब्लैक निकलता है ठीक है तो कितना अटैम्प्ट लग जाएगा ब्लैक शूज निकालने में सोलह अटैम्प्ट लग जाएगा इसके बाद एक एक करके व्हाइट निकाल रहा है तो कितना अटैम्प्ट लग जाएगा अट्ठारह अटैम्प्ट लग जाएगा इसके बाद जब चूंकि रिप्लेसमेंट नहीं है ब्लैक निकल गया व्हाइट निकल इसके बाद रेड निकलेगा तो एक रेड निकलेगा और चूंकि पेयर में चाहिए तो एक और रेड निकलेगा तो टोटल अटेम्प्ट कितना हो गया अठारह सोलह अठारह प्लस दो बीस और सोलह छत्तीस तो इसका आंसर कितना हो गया छत्तीस तो टोटल अटेम्प्ट जो लगेगा ना इसे रेड सूज निकालने में ये छत्तीस अटेम्प्ट लगेगा जिसके जिसके बाद इसे रेड सूज मिल मिल जाएगा तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा राइट आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है देखेंगे In how उ मेनी बीज कैन batsman score exactly 25 run मतलब एक batsman को 25 फाइव score karna करना है by scoring single run fours and sixes. मतलब एक ek ले सकता है hai ले सकता है और aur ले सकता है hai irrespective of sequence of scoring बैट तो यहां पे कितने तरीके से पच्चीस रन बन सकता है तो देखिए अगर एक सिक्स लगेगा तो छह रन बनेगा तो मान लेते हैं कि एन वन सिक्स लग रहा है तो कितना रन हो गया सिक्स एन वन अच्छा अगर एन टू फोर लगेगा एन टू फोर अगर बाउंड्री लगता है एन टू बाउंड्री लगता है तो कितना रन बन जाएगा फोर एन टू और अगर सिंगल लेगा तो मान लेते हैं एन थ्री सिंगल लेता है तो एन थ्री सिंगल तो अब ये जो टोटल रन बनेगा ये कह रहा है ट्वेंटी फाइव है तो यहाँ पे बेसिकली हमें सिक्स एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इसका बेसिकली टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ओके okay, राइट right. अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा आ, लिस्ट बना के निकालना होगा सॉल्यूशन चलिए तो अगर इफ कोई भी आ, यहां पे देखिए इफ इफ एन इज इक्वल टू एन वन इज इक्वल टू जीरो मान लेते हैं कि कोई भी सिक्स नहीं लगता है इसका मतलब है कि फोर एन टू प्लस एन थ्री का मान कितना होना चाहिए पच्चीस होना चाहिए अगर एक भी सिक्स नहीं लगता है तो कैसे ये पच्चीस बनेगा तो इस पे अब हमें निकालना है तो अगर एन वन इज इक्वल टू जीरो अगर एन टू जीरो होगा मतलब कोई भी बाउंड्री नहीं लगेगा इसका मतलब एन थ्री कितना होगा पच्चीस तो पच्चीस सिंगल लेके बना सकता है एक भी बाउंड्री नहीं ठीक है अगर एन टू वन एक बाउंड्री लगता है तो सिंगल कितना लेना होगा इसे सिंगल इसको 21 लेना होगा अगर एन थ्री टू मतलब आठ रन बन गया हमारा किस में बाउंड्री से फोर तो एन थ्री कितना हो जाएगा इसका तो इसमें से चार घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 अगर एन थ्री इज इक्वल टू एक एक इसी तरह से कॉम्बिनेशन में आगे निकालना होगा एन थ्री इज इक्वल टू थ्री बारह रन बन जाएगा इसका मतलब है एन थ्री घट जाएगा तो एन कितना हो जाएगा तेरह ओके अगर एन फोर इज इक्वल टू फोर चार चौका लगता है तो एन थ्री कितना हो जाएगा एन थ्री हो जाएगा एगेन रन ठीक है चार चौका सोलह नौ पच्चीस अगर एन एन टू है ना ये एन टू है एन टू एन टू एन टू एन टू अगर पांच बाउंड्री लगता है ठीक है तो एन थ्री जो बनेगा हमारा कितना बन जाएगा पांच तो पांच सिंगल लेना होगा और एन टू अगर छ होगा तो एन थ्री जो बनेगा वो एक रन मतलब अगर कोई भी सिक्स ना लगे ध्यान समझेंगे कोई भी सिक्स ना लगे तो इसके लिए ये पूरा सेट बना ठीक है तो कितने सॉल्यूशन हो गए एक दो तीन चार पांच छ सात सात सॉल्यूशन यहां पे हो गए तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं एक सात सॉल्यूशन हो गया कब जब एन वन इज इक्वल टू जीरो ओके आगे चलते हैं इसी को आगे बढ़ाते हैं वेन और भी यहां पे काफी स्पेस लगने लगने वाला है तो स्पेस हम लोग ले, ले लेते हैं पहले से ठीक है जिससे कि आराम से सारा कुछ हो जाए ओके सो एन वन इज इक्वल टू जीरो पे हमारे पास जो सॉल्यूशन आया टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहां पे सेवन आ गया अब एन वन इज इक्वल टू वन तो एन वन इज इक्वल टू वन होगा तो यहां पे देखिए ध्यान से फोर एन टू प्लस एन थ्री सो इसके लिए ये कितना हो जाएगा उन्नीस हो जाएगा क्योंकि एक सिक्स अगर लगेगा तो टोटल रन कितना हो जाएगा उन्नीस हो जाएगा अब एन टू इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब है एन थ्री इज इक्वल टू उन्नीस एन टू इज इक्वल टू वन इसका मतलब है एन थ्री इज इक्वल टू कितना ये पंद्रह ठीक है एन टू इज इक्वल टू टू इसका मतलब एन थ्री इज इक्वल टू कितना ये ग्यारह एन टू इज इक्वल टू थ्री इसका मतलब है बारह रन इसमें बन जाएगा तो एन थ्री इज इक्वल टू सेवन और एन थ्री टू इज इक्वल टू फोर चार्ड फोर लगेगा तो एन थ्री इज इक्वल टू तीन तो इस केस में हमारे पास कितना सोल्यूशन हो गया एक दो तीन चार पांच इस केस में हम एन वन के केस में पांच सोल्यूशन हो गया ठीक है सिमिलरली आगे चलेंगे हम लोग अगर हम बात करें एन वन इज इक्वल टू टू इसका मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा फोर एन टू प्लस एन थ्री सो ये हो जाएगा छ दुना बारह निकल जाएगा पच्चीस माइनस बारह तेरह हो जाएगा अब एन टू इज इक्वल टू जीरो अगर लेंगे तो एन थ्री इज इक्वल टू तेरह एन टू इज इक्वल टू वन लेंगे तो एन थ्री इज इक्वल टू नाइन एन टू इज इक्वल टू टू लेंगे तो एन थ्री इज इक्वल टू कितना पांच और एन टू इज इक्वल टू तीन चौका अगर लगेगा तो एन थ्री टू वन तो इस केस में कितना सोल्यूशन बन गया एक दो तीन चार सोल्यूशन बन गया सो so, एन टू uh, एन वन अगर टू uh, होगा तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन एक दो तीन चार हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है सिमिलरली आगे फिर से हम बढ़ेंगे अगर एन टू इज इक्वल टू थ्री तो एन टू इज इक्वल टू थ्री मतलब अठारह रन बन गया तो हमारे पास कितना है फोर एन टू प्लस एन थ्री तो पच्चीस में से अठारह जाएगा सात ठीक है ठीक है सात तो एन टू इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू सेवन एन टू इज इक्वल टू वन तो एन थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तीन अब तो चौपा लगेगा नहीं तो दो सॉल्यूशन हो गया किस केस में एन थ्री के केस में एन थ्री इज इक्वल टू सॉरी एन वन इज इक्वल टू थ्री के केस में हमारे पास दो सॉल्यूशन हो जाएगा ओके अब एन uh, थ्री हो गया अ, अ, यहाँ पे हमने एन वन uh, ठीक है एन वन इज इक्वल टू थ्री अब एन वन इज इक्वल टू फोर एन वन इज इक्वल टू फोर अगर हम लोग लेते हैं ठीक है मतलब चार चौका इसका मतलब है फोर एन टू प्लस एन थ्री सो दिस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए पच्चीस होना चाहिए ठीक है छा हाँ, ये कितना होना चाहिए तो एक होना चाहिए ना क्योंकि छेचक चौबीस हो गया चौबीस रन तो ऐसे बन जाएगा एक रन बना ये कब बनेगा जब एन टू इज इक्वल टू जीरो एन थ्री इज इक्वल टू वन तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन और हो जाएगा दैट इज एन वन इज इक्वल टू फोर के केस में एक सॉल्यूशन बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा ऐड कर लेंगे सात पाँच बारह बारह चार सोलह सोलह तीन उन्नीस टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया उन्नीस हो गया इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही होना चाहिए

में गलत गलत इन्वेलप में एक ही लेटर जाए अगर मान लेते हैं कि एन वन का एलवन का जो लेटर वन है इसका सही इनवेल्प ई वन है सही में ना जाके ये E2 में चला जाएगा तो इसका मतलब है कि ये जो वैकेंट है ये किसी एक से भरेगा तो इसका जो है एल टू जो एल वन के लिए जो सही होगा एल टू के लिए गलत होगा तो एक तो होगा ना ये पेयर में होगा ये तो चीज क्लियर हो गया तो कहने का मतलब है कि पहला ऑप्शन यहाँ पे ये नहीं होगा स्टेटमेंट वन सही नहीं होगा अब कह रहा है स्टेटमेंट वन सही नहीं होगा अब तो स्टेटमेंट वन सही नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा बोथ वन एंड टू भी नहीं होगा अब दो ऑप्शन बच गया टू एंड बी एंड सी नाइदर नाइदर वन और नाइदर टू या ओनली टू दूसरा स्टेटमेंट क्या था देर आर ओनली सिक्स वे इन विच ओनली सिक्स वे इन विच ओनली टू लीटर कैन गो इन टू द करेक्ट इनवेल देखिए टू लीटर करेक्ट इनवेल में जाता अब देखिए सपोज ई वन ई टू ई थ्री ई फोर और लेटर वन लेटर टू लेटर थ्री लेटर फोर मान लेते हैं कि एल वन सही में जा रहा है ठीक है एल वन सही में जा रहा है ओके एल वन सही में जा रहा है एल टू सही में जा रहा है ठीक है तो ये दो गया ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि इस चार में ठीक है चार जो इन्वेलप है इसमें दो सही जाना तो एक तरीका तो ये हो गया कि ये दोनों सही एल वन गया सही एल टू भी गया सही एक तरीका ये हो गया एल टू सही में गया और एल थ्री सही में गया एक तरीका ये हो गया एल थ्री सही में गया और एल टू एल फोर सही में गया बाकी इधर नहीं गया उसके बाद देखिए इसका पेयर बन गया एल वन एल टू का एल वन एल टू एक सही एल टू एल थ्री एक सही एल थ्री एल फोर एक सही अच्छा यहाँ पे ये भी चीज हो सकता है एल वन एल थ्री सही हो सकता है और एल वन एल फोर भी सही हो सकता है ओके उसके बाद एल वन एल एल टू एल हो गया एल टू एल फोर भी सही हो सकता है एल टू एल फोर भी सही हो सकता है मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितना बन गया एक दो तीन चार पांच छह तरीका ऐसा होगा जिसमें ये सही जाएगा तो यहाँ पे कह रहा है ओनली सिक्स तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा तो इसका ऑप्शन दो हो जाएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन कह रहा है वट इज द रिमाइंडर वन दिस इज इज मल्टीप्लाईड बाई हंड्रेड तो देखिए जनरली इस क्वेश्चन का आंसर तो जीरो होता है लेकिन कैसे होगा जीरो इसका ऑप्शन तो अगर डायरेक्ट अगर मारना भी है ना क्योंकि डिवाइड सौ से डिवाइड करना है तो हमें एक्चुअली यूनिट प्लेस पे निकालना है ठीक है यूनिट प्लेस पे क्या आएगा तो अगर आप देखें यहां पे यूनिट दो प्लेस पे बट यहां पे इस तरह से हम इसको कर सकते हैं देखिए एटी फाइव एटी फाइव को क्या ले सकते हैं सत्रह मल्टीप्लाई बाई फाइव अब इसके बाद एटी सेवन है एटी सेवन का कोई फैक्टर देखेंगे हो सकता है हो फैक्टर उसके बाद एटी नाइन है एटी नाइन है ठीक है उसके बाद नाइन्टी वन है नाइन्टी वन का तेरह इंटू सेवन हो सकता है उसके बाद नाइन्टी फाइव है तो उन्नीस इंटू फाइव हो गया उन्नीस इंटू फाइव हो गया और एक नाइन्टी सिक्स है नाइन्टी सिक्स को चौबीस मल्टीप्लाई बाई चार कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको निकल के आएगा कि एटी फाइव का एक फाइव नाइन्टी फाइव का एक फाइव पच्चीस हो गया छियानवे का ये चार ये चारों मल्टीप्लाई हो गया क्या हो या सौ हो जाएगा तो लास्ट का दो डिजिट जो होगा जीरो जीरो होगा तो हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आया क्योंकि तो मल्टीप्लाई हो गए पच्चीस पच्चीस फाइव मल्टीप्लाई फाइव पच्चीस मल्टीप्लाई फोर हंड्रेड हो जाता है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा लॉजिकली आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलता जाएगा और आपके क्वेश्चन का जो ये पार्ट होगा कि हां आंसर हमारा सही है कि नहीं है ये भी आपको समझ में आता चला जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन अब इसका एक्सपेंशन का यूनिट डिजिट कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो देखिए अगर यहां पे हम देखें तो हमारे पास जो पावर में है नाइन मल्टीप्लाई बाई सेवन मल्टीप्लाई बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री है ये ना नाइन मल्टीप्लाई बाई सेवन मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री तो अब इसे हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो ये देखें ये थ्री है कि मल्टीप्लाई होके कितना बनता है ओके तो ये हो जाएगा नौ सत्तर तिरसठ पाँच थी पंद्रह ये हो गया पंद्रह पैंतालीस के पाँच हाथ में चार पंद्रह चौका साठ पंद्रह छब्बे और चार छियानवे ठीक है नाइन सिक्स फाइव मतलब ये जो नंबर आया हमारा फाइव सेवन टू फोर टू का ये नाइन सिक्स फाइव आएगा नाइन सिक्स फाइव ये पावर आ गया अब इसको एक्सपेंस कर, एक्सपेंड करेंगे तो देखिए जो यूनिट प्लेस है ना यूनिट प्लेस का एक्सपेंशन देंगे क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दो बार ठीक है तो दो से दो मल्टीप्लाई होगा दो से दो मल्टीप्लाई होगा चार फिर दो से मल्टीप्लाई होगा तो आठ फिर दो से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सेम चीज आ रहा है सोलह सोलह में यहां पर फिर फिर दो से मल्टीप्लाई होगा तो ये अगेन आठ आ जाएगा ठीक है छना बारह आ जाएगा तो देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बार बार तो पहले यूनिट प्लेस पे दो दूसरे में चार तीसरे में ठीक है दो दुना चार देखिए दो मल्टीप्लाई बाई दो ये हो गया चार चार मल्टीप्लाई बाई दो ये हो गया आठ यहाँ पे आठ आना चाहिए ठीक है आठ मल्टीप्लाई बाई दो तो यहाँ पे सोलह का छः आना चाहिए ठीक है और सोलह का छः मल्टीप्लाई बाई दो तो ये बारह ठीक है बारह तो यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार मतलब चार बार मल्टीप्लाई होने के बाद यूनिट प्लेस फिर से सेम आ रहा है मतलब इसका जो रिपीटेशन हो रहा है चार बार हो रहा है तो ये जो पावर है इसको हम चार से डिवाइड करेंगे नाइन सिक्स फाइव को अगर हम चार से डिवाइड करेंगे ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा चार से चार दोना आठ ये हो गया एक चार का ये हो गया, गया पांच चार चार, है तो हमारा रिमाइंडर आ गया वन सो so, एक मिनट और चार सो वी कैन राइट हेयर नाइन सिक्स फाइव को नाइन सिक्स फाइव मल्टीप्लाई को लिख सकते हैं क्या टू फोर वन मल्टीप्लाई बाई वन क्यों एक चौका चार चार चौका सोलह में एक चार दो आठ एक नौ सौ पैंसठ है नौ सौ पैंसठ है इसका मतलब है ये पूरा होने के बाद चार बार मल्टीप्लाई होने के बाद एक दो तीन चार तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं जो नंबर है हमारे पास फाइव सेवन टू फोर टू फाइव सेवन टू फोर टू का पावर कितना का पावर ये हो जाएगा हमारा टू फोर्टी वन ठीक है टू फोर्टी वन मल्टीप्लाई बाई फोर और साथ में मल्टीप्लाई पे एक बच गया तो टू करना पड़ेगा इस एक के लिए ओके okay? अभी तो ये पावर पूरा आ जाएगा तो यहां पे देखिए एक दो तीन चार एक दो तीन चार चार बार मल्टीप्लाई होकर ये जो मल्टीप्लाई होगा तो इसके यूनिट प्लेस पे कितना जाएगा? आ जाएगा छ आ जाएगा ठीक है और फिर छे को हमें दो से मल्टीप्लाई करना होगा तो छह दो ना बारह इसका मतलब यूनिट प्लेस इसका क्या आना चाहिए टू आना चाहिए तो आई होप इसका आंसर ए सही होना चाहिए राइट right? एक बार आप चेक कर लेंगे इसको पीरियोडिसिटी uh, चेक कर लेंगे इसका आंसर टू सही होना चाहिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी नाइन ये कह रहा है इफ ए बी सी एंड डी एफ आर बोथ थ्री डिजिट नंबर तो तीन डिजिट का नंबर है तो हमको लिख सकते हैं हंड्रेड ए प्लस टेन बी प्लस सी ओके और डी या भी थ्री डिजिट का नंबर तो हंड्रेड डी 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 ई ओके अब ये नंबर है और इस दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं डेट इज ए बी सी डी ई एफ को जोड़ रहे हैं तो ये हमारा वन 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 आ रहा है ठीक है तो अगर हम इसे हम जोड़ेंगे तो वन 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 कब आएगा जब ए सी प्लस एफ को जोड़ेंगे तो ये वन वन होना चाहिए मतलब एक आना चाहिए और यहाँ पे एक कब आएगा चूंकि ये कह रहा थ्री डिजिट नंबर है नॉन जीरो है तो यहाँ पे नाइन का हो सकता है एट थ्री का हो सकता है सात सेवन फोर का हो सकता है सिक्स फाइव का कॉम्बिनेशन हो सकता है इसका मतलब है इसका जो सम होना चाहिए ये इलेवन होना चाहिए ठीक है अच्छा बी प्लस ई इसका सम कितना होना चाहिए बी प्लस ई का सम जो है 11, और चाहिए हमें ये तो ये दस होना चाहिए क्यों क्योंकि इलेवन का वन रह जाएगा और ये जो है एक इसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो ये इलेवन हो जाएगा ओके और अगेन ए प्लस डी इसका भी सम आई थिंक इसका कितना होना ए प्लस डी चूंकि ये ग्यारह आ रहा है तो इसका भी दस होना चाहिए ओके क्योंकि अब ऐसे ऐड करेंगे तो वन 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 हो जाएगा एक हजार एक सौ ग्यारह इसका मतलब है कि ए प्लस डी का जो सम होगा दस होगा बी प्लस +E ई का जो सम होगा ये भी दस होगा और सी प्लस एफ का सम चूंकि कैरी फॉरवर्ड है इलेवन हो जाएगा इस तीनों को ऐड करेंगे ये इकतीस हो रहा है तो इसका ऑप्शन जो होना चाहिए ऑप्शन डी सही होना चाहिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आगे चलते थर्टी नाइन क्वेश्चन हो गया इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्टी कह रहा है, है है, है. जो तीन का तो हम लोग लिख लिख सकते हैं, 100X plus 10Y plus Z. मतलब XYZ को करके दिया. Three digit number है. और यहाँ पे डी इज थ्री डिजिट नंबर सच डेट द रेशियो ऑफ नंबर टू द डिजिट इज लिस्ट दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये क्या होना चाहिए हमारा लिस्ट होना चाहिए ओके okay. अब ये ये कब 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 होगा होगा कब होगा लिस्ट कब होगा ये, जब ऊपर वाला नंबर मैक्सिमम होगा और नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नंबर मैक्सिमम होगा और नीचे वाला नंबर हमारा सॉरी जो है मिनिमम होगा और डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द दंड्रेड प्लेस एंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ डी तो हंड्रेड प्लेस का जो डिजिट होगा और यूनिट प्लेस का जो डिजिटल डिजिट होगा उसका डिफरेंस कह रहा निकालने के लिए तो देखिए अब ये चीज तीन डिजिट का नंबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं देखिए ध्यान से अगर आ, एक्स वाई तीन डिजिट का नंबर अगर वन जीरो नाइन ले देखिए वन जीरो आई थिंक हाँ वन जीरो तीन डिजिट का नंबर है क्यों क्योंकि तीन डिजिट का नंबर में वन सबसे छोटा हो जाएगा हंड्रेड प्लेस का सबसे छोटा और टेन प्लस भी सबसे छोटा हो गया और यूनिट प्लेस सबसे अधिक लिया यूनिट प्लेस सबसे अधिक लेने का रीजन ये है कि जो जेड होगा मैक्सिमम होगा तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा वन प्लस वाई जीरो प्लस नाइन ठीक है तो ये एक सौ नौ बटा दस हो जाएगा तो इसका मतलब ये टेन पॉइंट नाइन ये सबसे मिनिमम होगा इससे छोटा नंबर कोई हो ही नहीं सकता अगर ग्यारह एक सौ ग्यारह करें तो तीन से डिवाइड करेंगे तो कितना एक सौ ग्यारह बटा तीन ये सैंतीस हो जाएगा तो सैंतीस ज्यादा हो जाएगा अगर नौ सौ निन्यानवे लेते हैं और इसको अगेन हाँ, अगर हम सत्ताईस से डिवाइड करेंगे तो ये भी सैंतीस हो जाएगा ओके अगर नौ सौ नौ लेते हैं एक नंबर और नौ नौ अठारह से डिवाइड करते हैं तो ये भी टेन पॉइंट नाइन से अधिक ही होगा क्योंकि हमें लिस्ट चाहिए तो ये नंबर कौन सा बनेगा वन जीरो नाइन बनेगा तो वन जीरो नाइन में हंड्रेड प्लेस वन है और यूनिट प्लेस नाइन है इसका डिफरेंस नाइन माइनस वन एट आ रहा है ऑप्शन इसका सी सही होना चाहिए आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा यूपीएससी का पेपर बहुत ही शानदार होता है कोई डाउट नहीं अब कह रहा है व्हाट इज द रिमेन्गर वेन कितना ओके अब देखिए दो चार चार का पावर चार दो का पावर तीन करेंगे आठ ठीक है आठ दोना सोलह सोलह दुना बत्तीस बत्तीस दोना चौसठ चौसठ सौ अट्ठाइस एक सौ अट्ठाइस दो नौ अट्ठाइस दो सौ छप्पन अगर हम दो पे जाते हैं दो को पाँच कर रहे हैं तो छ अठे अड़तालीस तीन पाँच सौ दस चौबीस अगर करें एक्चुअली मैं ये देखना चाह रहा हूं यहाँ पे कि चार चार एक पाँच एक तीन और दो से जो डिवाइड हो दस सौ चौबीस बीस अड़तालीस अगर ले लेते ले ले हैं चार दो छः आठ छः चौदह चालीस छियानवे ले लेते ले 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 हैं तो नौ छः पंद्रह पंद्रह चार उन्नीस आठ नौ हजार अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे दो से अभी अब मैं बताता हूँ क्या हुआ है दोनों बारह दो हाथ में एक नौ दो अठारह उन्नीस के नौ हाथ में एक और ये एक और चार दो आठ आठ एक नौ इसको अगर दो से मल्टीप्लाई करें तो हमारा हो जाएगा दो दूना चार नौ दो अठारह हाथ में एक दो एक दो एक तीन और आठ दोना सोलह ठीक है तो वेट वेट मिनट दो एक दो दूना चार चार दूना आठ दोना सोलह सोलह दूना बत्तीस बत्तीस दो न चौसठ दूना एक सौ अट्ठाईस दो न दो सौ छप्पन पाँच सौ बारह दो सौ चौबीस बीस अड़तालीस चालीस छियानवे आठ हज़ार एक सौ बानबे और ये अगेन हमने किया तो सोलह हजार तीन सौ चौरासी आ रहा है क्या ये तीन से डिवाइड हो रहा है तो आठ हजार बारह तो ये तीन से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको कैसे कर सकते हैं वेट मिनट और भी कुछ तरीका है यहाँ पे कर सकते हैं एक मिनट और ले लेते हैं सोलह आठ सौ सोलह तीन सौ चौरासी सोलह तीन सौ चौरासी डिवाइड बाई हमें कोई एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि ये तीन से डिवाइड हो नंबर तो अगर दो से करते हैं चार दो आठ दो नौ छः हाथ में एक तीन दो छः एक सात छः दोनों बारह एक तेरह के तीन हाथ में एक दो एक दो एक तीन अगर ये देखें तीन से डिवाइड हो गया ये हो जाएगा यस yes! ये तीन से डिवाइड हो जाएगा तीन तीन छः तीन, तीन तीन छः सात छः छः बारह बारह सात उन्नीस उन्नीस आठ सत्ताईस तो ये तीन से डिवाइड हो जाएगा कौन सा नंबर ये वाला ठीक है मतलब क्या है इसका मतलब आप समझिए यहाँ पे क्योंकि ये तीन से डिवाइड है और इवन प्लेस पे क्या है दो नंबर यूनिट प्लेस पे एट है तो ये दो से भी डिवाइड है इसका मतलब ये नंबर जो है थ्री थ्री सेवन एट सिक्स किस छ से डिवाइड है अब देखिए ये कौन सा पावर है ये काउंट करना होगा दो एक दो दुना चार दो, आ, दो दुना आ, दो आ, दो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह के बाद ये बारह बारह के बाद ये तेरह ये आ गया तेरह तेरह के बाद ये चौदह मतलब टू का पावर फोर्टीन जो है चौदह से डिवाइड हो सॉरी टू का पावर फोर्टीन जो है किससे डिवाइड हो रहा है सिक्स से डिवाइड हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर टू का पावर फोर्टीन सिक्स से डिवाइड होता है तो अगर हम इसको वन नाइनटी टू को फोर्टीन से कर एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं दो, दो एक दो दुना चार चार दो आठ दो सोलह दो बत्तीस दूना चौंसठ तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ये बारह ये तेरह इसको मल्टीप्लाई किए ये चौदह चो, ये पंद्रह हो रहा है शायद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ये ट्वेल्व ये ट्वेल्व के बाद ये थर्टीन थर्टीन के बाद ये फोर्टीन फोरटीन के बाद ये हो गया हमारा कितना फिफ्टीन पंद्रह बार में मल्टीप्लाई हो रहा है ये ठीक है पंद्रह बार मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर आया वो डिवाइड हो रहा है इसका मतलब है वन नाइन्टी टू को पंद्रह से अगर हम डिवाइड करते हैं सो पंद्रह एक पंद्रह ठीक है ये चार दो और पंद्रह दुना तीस कितना हो गया पंद्रह दुना तीस तो मतलब बारह तीन का पावर बारह कहाँ पे आएगा इसका मतलब ये हो गया ध्यान समझेंगे कि अगर हम लोग दो का पावर पंद्रह का सेट बनाए दो का पावर पंद्रह का सेट बनाए इस तरह तो ये भी पूरा अच्छे से डिवाइड ये भी पूरा अच्छे से डिवाइड कहाँ तक बारह तक मतलब बारह ऐसा ऐसा सेट बनेगा जो कि छः से डिवाइड होगा तो यहां पे जो रिमाइंडर बचा यहां पे बारह मतलब एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये जो नंबर है इसको हमें बेसिकली छः से डिवाइड करना होगा फोर जीरो नाइन सिक्स से ये जो नंबर डिवाइड होगा उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा छः से छतालीस छत्तीस देख लेते हैं क्या आता है ये चार नौ छ अड़तालीस ये हो गया एक छः छः दुना बारह हमारा रिमाइंडर आ रहा है चार ऑप्शन इसका डी हो जाएगा ठीक है इस तरह क्वेश्चन एक और हम लोगों ने पहले किया है जबकि इसी सेट में जो कि नाइन जो है नाइन नाइन्टी नाइन टाइम्स तक था ठीक है नाइन्टी नाइन टाइम्स तक तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम लोगों ने यूज़ किया है तो आप इसको देख लेना इसका आंसर फोर्टी पोर का डी सही होना चाहिए एक बार आप भी चेक करना मेथड यही है अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव आ गया क्वेश्चन नंबर को करते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है यूपीएससी का क्वेश्चन बहुत टफ है इस बार सो so, अब कह रहा है कि यहाँ पे हमें जो है ना ये फिल करके देखना है कि कौन सा पैटर्न है तो पहले देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन करना होगा तो इस ट्रिक में बता रखा हूं कि टोटल नंबर ऑफ ये काउंट करना है एक दो, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस देखिए बीस है टोटल इसका मतलब जो सिक्वेंस बनेगा ना ये दस का मल्टीपुल हो सकता है या फाइव का मल्टीपुल हो सकता है या चार का मल्टीपुल हो सकता है या दो का मल्टीपुल में हो सकता है तो हम देखेंगे सिक्वेंस कौन से मल्टीपुल में रिपीट uh, कर रहा है सो so, अब हम यहां पर देखेंगे ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन डी ए है सो डी ए बी सी डी ए बी सी सी डी ए बी बी सी डी फिर हमारा बी बन रहा है ए बी सी डी तो कहीं पे दो का भी नहीं बन रहा है तीन चार का बन रहा है ए बी सी डी नहीं बन रहा है ए बी बी नहीं पाँच का बन रहा है ए बी सी डी ए और ए बी सी सी तो इस ये तो नहीं होना चाहिए चलिए दूसरा देखते हैं सी डी ए बी तो ए बी सी सी डी ए बी सी ठीक है ए बी सी के बाद ए लेना है हमें ए ले लिया हमने डी ए बी बी, बी डी ए बी बी सी डी ओके फिर हमें बी लेना है बी ले लिया और ए बी सी डी कर लेते हैं ए बी सी डी अब देखिए पांच ए बी सी सी डी ए बी सी ए डी ए बी बी सी डी बी ए बी सी डी कुछ ये ये भी नहीं बन रहा कोई ऐसा पैटर्न नहीं नजर आ रहा है चलिए आगे चलते हैं चारों ऑप्शन भर के देखना होगा हमें उसके बाद देखना होगा कौन सा सेट हो रहा है ए बी सी उसके बाद है डी सी डी सी ए बी सी, बी, सी ए बी सी उसके बाद सी है फिर डी ए बी बी सी डी उसके बाद ए है ए बी सी डी ए बी सी डी क्या ये बन रहा है ए बी सी डी सी ए बी सी ए बी सी सी डी ए बी बी सी डी ये भी कुछ नहीं बन रहा है अब लास्ट ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं ए बी सी डी डी ए बी सी डी डी ए बी सी फिर सी है ओके ए बी सी ए बी सी डी डी कर दिया फिर ए बी सी फिर सी हमने डाल दिया फिर डी ए बी बी सी डी और इसके बाद आ जाएगा ए बी सी डी ए बी सी डी अब देखिए ए बी सी डी डी ए बी सी ए बी सी डी d, a b c d d, a b c c d, a b b c d, a a b c d. ओके okay, तो यहां पे हमें देखना होगा ध्यान से ये देखिए अगर हम चार चार का लेते हैं यहां पे कुछ बन रहा है यहां पे लग रहा है ए बी सी डी d ए बी सी सी डी ए बी बी सी डी ए ए बी सी डी एक साइकिल में बन गया ये ठीक है ध्यान से देखेंगे पांच का भी देख सकते हैं चार का देखते हैं तो ए बी सी डी सी ए बी सी नहीं साइकिल बन रहा ए बी सी सी डी बी सी मतलब ये वाला ऑप्शन जो है ना डी होना चाहिए इसका सही थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया चलिए कोई बात नहीं ध्यान रखेंगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव ओके अब ये क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव देखते हैं क्या कह रहा है कितना टाइम लगेगा ए बी एंड सी डी आर टू डिजिट नंबर तो ए बी और सी डी दो डिजिट का नंबर है मल्टीप्लाइंग ए बी विथ सी डी रिजल्ट थ्री डिजिट नंबर सी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ई एफ मिलता है ठीक है एडिंग डी ई एफ टू एन नंबर जी एच आई जी एच आई इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कह रहा है नाइन सेवन फाइव होना चाहिए नाइन सेवन फाइव होना चाहिए फर्दर कह, e, कह रहा है ए बी सी डी एफ जी एच आई आर डिस्टिंग डिजिट है और उसके बाद कह रहा है ई बराबर जीरो यहां पे देखिए कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट गिवन है ई बराबर जीरो और एफ बराबर एट गिवन है ठीक है ई e बराबर जीरो और एफ बराबर एट देन वाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी ए प्लस बी प्लस सी चलिए तो यहां से देखिए डी ई e, e बराबर जीरो एफ बराबर एट जी एच आई जी एच आई एफ बराबर एट है जी एच आई जी एच आई ठीक है इसका नाइन सेवन फाइव आ रहा है यही ना ई e बराबर जीरो की वन है डी ई एफ ई बराबर जीरो और एफ बराबर एट तो डी ई e के जगह जीरो एफ की जगह एट डाल दे जी एच आई तो अगर ये पंद्रह है तो आई का मान कितना होना चाहिए आई का मान सात होना चाहिए चलिए सात लिख लेते हैं आठ सात पंद्रह ठीक है और ये सात है आठ हाथ पंद्रह पाँच हाथ में एक ठीक है तो ये सात है तो एच का मान कितना होना चाहिए सिक्स होना चाहिए एच का मान हो गया सिक्स और डी प्लस जी क्या होना चाहिए नाइन डी प्लस जी होना चाहिए नाइन तो डी प्लस जी नाइन कब होगा ठीक है चूंकि हमने यूज कर लिया जीरो आ, जीरो यूज हो गया हमारा यहाँ पे ठीक है और सिक्स हो गया सेवन हो गया एट हो गया जीरो सिक्स सेवन एट हो गया डी प्लस जी हो गया डी प्लस जी इज इक्वल टू नाइन तो अब यहाँ पे तो डी का क्या क्या हो सकता है डी का वैल्यू हो सकता है चार जी का वैल्यू पांच ठीक है डी का वैल्यू पांच जी का वैल्यू चार हो सकता है डी का वैल्यू छ हो सकता है नहीं हो सकता डी का वैल्यू सात हो सकता नहीं डी का वैल्यू आठ हो सकता नहीं हो सकता तो डी का वैल्यू चार पाँच और जी का वैल्यू पांच या चार क्रॉस्पॉन्डिंग यही हो सकता है ओके okay. तो यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया आगे देख आगे का इंफॉर्मेशन यहां से ले लेते हैं ए बी देखिए ध्यान से ए बी प्लस सी डी सो दिस इज इक्वल टू डी ई एफ ओके सो वी कैन राइट हेयर ए बी ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू डी हमें लेना है ई e कितना है जीरो है और f कितना है आठ है ओके okay. सो so, यहां पे अगर हम d इज इक्वल टू क्या ले आ, d इज इक्वल टू यहाँ पे आठ है और d का मान चार या पांच हो सकता है तो d का वैल्यू अगर हम फाइव लेते हैं ठीक है ध्यान से देखेंगे क्योंकि d का वैल्यू अगर फोर लेंगे तो b का वैल्यू फोर लेना पड़ेगा तो ये डिक्सटिंक्ट हो जाए तो b का अगर d का वैल्यू हम फाइव लेते हैं तो b का वैल्यू तीन लेना होगा पांच तीन आठ ओके और यहाँ पे a का वैल्यू हमें वन लेना होगा और सी का वैल्यू नाइन सो अगर हम देखिए वन थ्री नाइन फाइव अगर ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा डी uh, का वैल्यू फाइव लिया है ना तो ये हो जाएगा इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना एक मिनट यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में तो इस चीज को ध्यान में रखना है यहां पे मैं ऐड कर दिया ऐड नहीं हुआ मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे अगर डी का वैल्यू पांच लेते हैं तो यहाँ पे आठ आना चाहिए तो क्या आठ आएगा नहीं तो डी का वैल्यू चार लेना होगा अगर डी का वैल्यू यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा ए बी सी डी अगर डी का वैल्यू फोर लेते हैं यहाँ पे ये आठ है ये जीरो डी का वैल्यू फोर लेते हैं तो बी का वैल्यू कितना लेना होगा हमें टू लेना होगा ठीक है और यहाँ पे डी है तो चार सौ आठ आ रहा है ठीक है तो अब यहाँ पे अगर ये वन टू बारह अगर ए का मान वन लेते हैं और ये चार सौ आठ आना आना चाहिए तो अगर वन टू और ये फोर है और यहाँ पर अगर हम थ्री ले लेते हैं तो बारह चौका अड़तालीस अड़ता चार दुना आठ एक चौका चार तीन दुना छः और तीन एक अंद तीन तो ये आठ छः चार दस जीरो हाथ में एक तीन एक चार आठ आ रहा है ठीक है तो ये हो रहा है चार सौ आठ इसका मतलब है कि ए का मान क्या होना चाहिए वन होना चाहिए बी का मान टू होना चाहिए और सी का मान तीन आना चाहिए और इस तीनों का सम हमें पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या होगा बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है सो so, ऑप्शन इसका सी इसका ए ऑप्शन सही होना चाहिए सिक्स ओके चलती हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसको अभी रहने देते हैं बाद में करेंगे हाँ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी कह रहा है कि द लेटर ऑफ द वर्ड इन कंप्रीहेंसिबिलिटीज आर अरेन्ज अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर इसको रिवर्स अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया हाउ मेनी पोजिशन ऑफ द लेटर या लेटर विल रिमेन अनचेंज कितना चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे आई एन सी ओ एम आई एन सी ओ एम पी आर ई एच ई एन पी आर ई एच ई एन एस आई बी आई एल आई एस आई बी आई एल आई आगे ले लेते हैं टी आई ई एस टी आई ई एस ठीक है अब इसको रिवर्स में लिखना है सो एस ई आई टी आई एल यहां पे फिर आई यहां पे आई किसके सामने आ जाएगा आर के सामने ई e के सामने आ जाएगा बी एच के सामने आ जाएगा आई ई e के सामने आ जाएगा एस ओके okay. ई e के सामने आ जाएगा एस बेटे मिनट कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे फिर से इसको करते हैं इसको इरेज करके यहां पे करते हैं चलिए एक मिनट आई एन सी ओ एम पी आर ई पी इनकम पी आर ई एच ई एन एच ई एन एस आई बी आई एस आई बी आई एल आई टी आई ई एस एल आई टी आई ई एस ये वर्ड है इसको रिवर्स में लिखना चलिए रिवर्स में लिखते हैं वाइट से लिखते हैं एस ई आई टी आई एल आई बी आई एस एल आई बी आई एस एन ई एच ई एन ई एच ई एन ई एच ई आर पी एम ओ सी आर पी एम ओ सी एन आई एन आई आई एन सी ओ एम पी आर ई एच ई एन एस आई बी आई एल आई टी आई ई एस अब ये लिखने के बाद कह uh, क्या हाउ मैनी पोजिशन ऑफ लेटर या लेट्स विल है कि चेंज नहीं हुआ अनचेंज चेंज है ये चेंज हो गया 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 ये भी चेंज हो गया ये भी चेंज हो गया ये वाला चेंज नहीं हुआ ये चेंज 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 सारा चेंज होगा सिर्फ एन जो है चेंज नहीं हुआ है वैसे भी अगर हम देखें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो एन एक, एक्जैक्टली बीच में है तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए बी ऑप्शन सही होना चाहिए एक लेटर अनचेंज नहीं हुआ है ये हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्टी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव देखते हैं क्या है फिफ्टी फाइव नंबर क्वेश्चन ओके सो so, क्वेश्चन क्या रहा है फिफ्टी फाइव मैक्सिमम मार्क्स फॉर इच ऑफ दी क्यू आर एस आर हंड्रेड तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस मैक्सिम मार्क्स कितना हो गया सौ uh, हो गया तो यह चार सौ हो जाएगा ठीक है अब कह रहा है कि मार्क्स एक्सकोर्ड बाई द स्टूडेंट आर इन द इंटीजर जो मार्क्स स्कोर कर रहा है वो इंटीजर में है ए स्टूडेंट कैन स्कोर नाइंटी नाइन परसेंट इन डिफरेंट वेज तो 99 परसेंट डिफरेंट वेज में स्कोर कर सकता है तो चाली चार सौ का 99 परसेंट अगर हम लोग निकालना चाहे तो ये हो जाएगा थ्री नाइन्टी ठीक है तो 396 स्कोर कर सकता है ठीक है आ, कितने में चारों पेपर में तो कह रहा है कितने तरीके से हम लोग मतलब कितने तरीके से व्हाट इज़ द एन डिफरेंट वेज तो ये एन कितना तरीके से थ्री uh, सिक्स स्कोर कर सकता है इसका मतलब ये है कि हमें अगर मान लेते हैं कि एक पेपर में एन वन कम आया दूसरे पेपर में एन टू तीसरे पेपर में एन थ्री और चौथे पेपर में एन फोर नंबर कम आया इसका मतलब है कि तीन सौ छियानवे स्कोर करके करने के लिए एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर इसका जो सम होना चाहिए फोर के बराबर होना चाहिए चार नंबर ही ये कम है तो कितने ऐसे सोल्यूशन बनेंगे इसके ये निकालना है इस क्वेश्चन में अब यहाँ पे फिर से हमें वही चीज लेंदी प्रोसेस को लेना होगा सो एन वन ठीक है इज इक्वल टू जब एन वन इज इक्वल टू हम मान लेते हैं कि एन वन में पूरा पूरा आ गया जीरो एन वन इज इक्वल टू जीरो देखिए ध्यान से थोड़ा तो सा यहां पे स्पेस लेना होगा स्पेस कर लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि क्वेश्चन लेंदी होने वाला है ठीक है चलिए देख लेते हैं सो एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एन वन में पूरा मतलब कोई भी जीरो नहीं मतलब पूरा नंबर कोई भी नंबर नहीं कटा एन टू में भी जीरो एन थ्री में भी जीरो एन फोर तो एन वन में कितना होना चाहिए चार चार कम होना चाहिए ठीक है सिमिलरली जीरो चार जीरो फिर जीरो 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 सॉरी यहाँ पे चार आ जाएगा और यहाँ पे जीरो फिर जीरो समझ में आ रहा है जीरो जीरो यहाँ पे चार मतलब चार सॉल्यूशन तो यहां से आ गए कि मतलब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में चार नंबर कम आ गया बाकी सारे में पूरे आ गए चलिए अब एन वन एन टू एन थ्री एन फोर इसमें जीरो ले लेते ले इसमें जीरो ले लेते ठीक है तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसमें तीन हो सकता है वन हो सकता है दो हो सकता है दो हो सकता है वन हो सकता है तीन हो सकता है ठीक है तो यहां पे हमारे कितने बन जाएंगे तीन सॉल्यूशन बन जाएंगे ओके राइट आगे चलिए एन वन एन टू एन थ्री एन फोर सो अब यहाँ पे हम लोगों ने एन वन में जीरो ले लिया अब इस तीनों में ले लेते हैं तो इसमें वन वन टू तो ये कितने तरीके से हो जाएगा चार फोर से थ्री से हो जाएगा सो वन टू वन टू वन वन इसमें भी हमारे कितने बन जाएंगे तीन बन जाएंगे इसी तरह से सॉल्यूशन निकालना होगा ठीक है ओके आगे भी चल सकते हैं यहाँ पर तीन सॉल्यूशन ये हो गया फिर एन वन एन टू एन थ्री एन फोर अब सभी में हम लोग वन वन ले, ले लेते हैं वन 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 तो एक ये सॉल्यूशन बन गया तो एक ये सॉल्यूशन हो गया ओके इसी तरह से बहुत सारे सॉल्यूशन अभी आने वाले हैं आगे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं मिनट ठीक है तो यहाँ पे हम एन वन इज इक्वल टू जीरो पे ले लिए एन वन इज इक्वल टू वन पे ले लिए अब एन वन इज इक्वल टू अगर हम टू लेते हैं ध्यान से देखेंगे एन वन इज इक्वल टू 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 जीरो वन वन टू वन जीरो वन टू जीरो uh, पे हम लोग थ्री जीरो टू फोर ले चुका है एन इज इक्वल टू फोर ले चुके हैं अब यहाँ पे सोल्यूशन काउंट करते हैं कितना हो गया यहाँ पे तो ये हो गया चार ठीक है चार तीन सात तीन दस दस एक, एक ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह सोल्यूशन यहाँ पे आ रहे हैं ऑप्शन में कोई है क्या सोलह तो दिख रहा है और भी कुछ बन रहा है क्या कहीं पे कुछ छूट रहा होगा देख लेते हैं वेटेमिनट एक यहाँ पे ये यह भी हो सकता है टू वन वन जीरो ठीक है टू वन वन जीरो ये छूट रहा था तो कितने हो गया आप काउंट कर लेते हैं एक दो सोलह एक ये सत्रह तो टोटल कितने बन गया सत्रह सोल्यूशन बनेगा और भी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रहा है चलिए ऑप्शन इसका बी सही होना चाहिए ऑप्शन बी पे हम लोग टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव हो गया आगे चलते हैं ये क्वेश्चन है क्वेश्चन है फिफ्टी सिक्स ए फ्लैग टू बी डिजाइन विथ फोर होरिजोनटल स्ट्रिप्स एक झंडा है जिसमें चार होरिजोनटल स्ट्रिप्स है ठीक है तो एक दो तीन चार ये हॉरिजोनटल स्ट्रिप्स है और कह रहा है फोर होरिजेंटल स्ट्रिप्स यूजिंग सम और ऑल द रेड ऑल द कलर रेड ग्रीन येलो तो रेड कलर यूज करना है ग्रीन कलर यूज करना और येलो कलर यूज करना है ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दिस कैन बी डन सो दैट नो टू एडजेसेंट स्ट्रिप आर द सेम कलर मतलब टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज निकालना है जिससे कि दो एडजिस्टेंट कलर सेम नहीं होना चाहिए अगर यहां पे हम लोग रेड डालते हैं ध्यान से देखिए रेड यहां पे डालेंगे ओके तो यहां पे रेड नहीं आएगा तो यहां पे ग्रीन आएगा अगर ग्रीन यहां पे आएगा तो यहां पे क्या आना चाहिए येल्लो आना चाहिए ओके येल्लो आना चाहिए राइट तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पे फिर क्या आना चाहिए येल्लो आना चाहिए ठीक है यहां पे येल्लो आना चाहिए तो ये फर्स्ट प्लेस है रेड ग्रीन या येल्लो दोनों से फिल किया जा सकता है तो तीन तरीके से ये फिल किया जा सकता है ठीक है तीन तरीके से फिल किया जा सकता है अब हमारे पास यहाँ पे ये यह जो तीन प्लेस है एक दो तीन इसको कितने तरीके से फिल किया जा सकता है तो देखिए अगर यहाँ पे कोई भी एक कलर आ जाएगा तो यहाँ पे जो बचेगा ठीक है कोई भी दो कलर का बचेगा क्योंकि तो एक कलर यूज नहीं करना है तो ये दो तरीके से हो सकता है ठीक है ये दो तरीके से हो सकता है ओके अब यहाँ पे रेड येल्लो अब यहाँ पे जो पोजिशन आएगा यहाँ पे दो कलर हो गया अब जो कलर आने वाला है वो हमारा क्या हो सकता है रेड भी हो सकता है देखिए जैसे यहाँ पे हम लोगों ने रेड डाला ठीक है तो रेड डालेंगे तो सेकंड पोजिशन पे रेड नहीं आएगा लेकिन कोई भी कलर आ सकता है तीनों में ग्रीन येल्लो में ग्रीन येल्लो ग्रीन और येलो दोनों में आ सकता है तो ये दो तीन तरीका ये दो तरीका ये तीन दोनों छ हो गया अब यहाँ पे रेड आ सकता है लेकिन येलो नहीं आ सकता तो यहाँ पे रेड आ सकता है या फिर ग्रीन आ सकता है तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा Uh, दो तरीका हो जाएगा यहाँ पे सो दिस इज अगेन टू तरीका दो तरीका तीन दो न छ दो ओके और यहाँ पे अगेन ये जो बचेगा तो हमारे पास फिर से दो आ जाएगा देखिए यहाँ पे तीन यहाँ पे दो फिर यहाँ पे uh, तीन uh, एक मिनट यहाँ पे क्या आ जाएगा अगर यहाँ पे हमने रेड किया तो यहाँ पे दो आएगा फिर यहाँ पे तीन तरीका आएगा क्योंकि तो अगर जो अगर येलो यूज करेंगे तो येलो यूज नहीं करने के वेट मिनट यहाँ पे दो तरीका आएगा ठीक है दो तरीका आएगा दो और फिर यहां पे अगर जो कलर यहां पे यूज करेंगे उसे छोड़ के हमें दो कलर बचेगा तो यहां पे दो कलर से यूज करना पड़ेगा तो कितना हो गया दो ना चार, चार दो दुना चार दो नर्थिक चौबीस टोटल नंबर ऑफ वेस्ट ट्वेंटी फोर हो रहा है आई थिंक ये ऑप्शन तो इसका ऑप्शन ट्वेंटी फोर सही होना चाहिए राइट चलिए यहां पे इसको हम लोग टिक करेंगे ओके चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे बाद में ये uh, क्या कह रहा है ए रेक्टेंगुलर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है ए रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजरिंग फोर मीटर एंड टू पॉइंट एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है चलिए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ठीक है सो so, ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया जिसमें ये कह रहा है कि ये चार मीटर लंबा है और चार सेंटीमीटर में ले, ले लेते हैं चार मीटर लंबा है और ब्रेथ दो सेंटीमीटर सो दस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सौ से दो सौ बीस मीटर गया ठीक है अब ये कह रहा है कि एक सौ चालीस साठ का हमारे पास स्टाइल है जिसको इसमें हमें अच्छा से बिछाना जिससे करे ठीक है तो आप यहाँ पे देखिए एक सौ चालीस ये चार है ठीक है तो चौदह या बयालीस तो मतलब यहाँ पे ये यह लंबा लंबी एक आ जाएगा ऐसे दूसरा आ जाएगा ऐसे यहाँ पे ठीक है तो एक सौ चालीस ये एक सौ चालीस ये आ, तो 280 हो गया बचा कितना है यहाँ पे हमारे पास बचा हमारा 280 तो 120 तो 60 60 है हमारे पास 60 140 का हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं तो ये 60 140 का ऐसे 60 140 का ऐसे ठीक है ध्यान से देखिए 140 140 ठीक है और ये 60 हो गया और ये 220 है ना तो 60 हो गया ये 60 140 60 140 ये 60 हो जाएगा यहाँ पे ठीक है साठ साठ ओके तो ये हो जाएगा एक ओके तो एक दो तीन चार ठीक है अब हमारे पास ये हो गया आ, ये एक सौ और यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास ये 220 का है तो ये हमारा बच गया आ, 80 का बच गया ठीक है ये हमारा 80 का बच गया ओके okay, ये लेंथ 80 हो गया अब यहाँ पे अगेन ये 60 60 20 और ये 203 है तो अगर हम 140 का ऐसे डाल दें 140 का ऐसे डाल दें ठीक है तो 60 साठ एक सौ अगेन यहाँ पे बीस बच जाएगा यहाँ पे ठीक है यहाँ पे बीस बच जाएगा तो एक दो तीन चार पाँच छः छ हो गया इसके बाद आ, ये कितना हो गया हमारा साठ साठ एक सौ बीस और ये दो सौ बीस है ना दो सौ बीस है तो एक और डाल सकते हैं एक और डाल सकते हैं ऐसे ठीक है ऐसे तो अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आ गया सात आठ तो आ ही गया आठ के बाद आठ तो ब्लॉक है फिक्स की आठ इसमें आ जाएगा राइट तो ये आठ आ जाएगा लेकिन इसके बाद का जो अगर ब्लॉक डालेंगे तो ये बाहर चला जाएगा ओवरलैप हो जाएगा तो इसका आंसर जो है हमारा मेरे ख्याल से नाइन सी uh, होना चाहिए ऑप्शन सी फिफ्टी सेवन का होना चाहिए चलिए आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन क्या रहा है इस क्वेश्चन को देखते हैं बाद में हाँ ये क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्वेश्चन जो है फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन क्वेश्चन कह रहा है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर क्वाइंस बहुत सारे सिल्वर क्वाइंस हैं दो ग्राम का पांच ग्राम का दस ग्राम का पच्चीस ग्राम का और पचास ग्राम का कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट टू ग्राम करना है कितने क्वाइन को यूज करना चाहिए या फिर और ये कह रहा है कि कम से कम सात चाहिए या सात से भी कम में हो सकता है तो देखिए कितना चाहिए 78 चाहिए ठीक है 78 चाहिए मतलब अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको एक पचास का ले लेते हैं पचास मल्टीप्लाई बाय सो ये हो गया पचास सेवेंटी एट चाहिए तो मतलब एक फैक्टर हमारा जो है दो दो का जो क्वाइन होगा चार लेंगे तो ये हो जाएगा आठ कितना हो गया आठ तो एक पचास का अच्छा दस का कितना लेना पड़ेगा दस का अगर हम देखें यहां पे तो दो तो दस का दो अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा बीस कितना हो जाएगा अठहत्तर तो ये क्वाइन कितना हो गया सात ठीक है सात पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए अगर अगर हम यहां पे ऐसे कर लेते हैं पच्चीस का दो ले लेते हैं पच्चीस का दो से अच्छा है कि एक ही ले पच्चीस का एक ठीक है तो ये हो गया पच्चीस ओके पच्चीस का एक ले लिया अच्छा और हमारे कितना चाहिए हमें सेवेंटी एट मतलब सेवेंटी एट के लिए चार कॉइन तो दो का चाहिए ही चाहिए चार क्वाइन तो दो का चाहिए ही चाहिए ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं लेंगे चार क्वाइन तो चाहिए तभी तो एट आएगा तो चार क्वाइन दो का चाहिए बाकी जो नोट है पचास का लेंगे तो चार एक पांच दो तो ये मिनिमम बन रहा है मतलब मिनिमम सात क्वाइन चाहिए ही चाहिए इससे अधिक भी हो सकता है कॉम्बिनेशन में लेकिन सात से कम नहीं होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आई होप ऑप्शन ए सही होना चाहिए सो ऑप्शन ए पे हम लोग टिक मारेंगे आगे चलते हैं फिफ्टी हो गया ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्या कहता है देख लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी कहता है ए प्लस बी मीस ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी सो ए प्लस बी इसका मतलब क्या है ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी इसका मतलब क्या हो गया ए माइनस बी इसका मतलब क्या है ए इज नॉट ग्रेटर Than B. इसका मतलब ए इज नॉट ग्रेटर बी सो लेस देन इक्वल टू बी हो सकता है ओके ए क्रॉस बी इसका मतलब ए इज नॉट स्मॉल टू बी स्मर नहीं होगा तो बराबर तो हो सकता है ए डिवाइड बाई बी इसका मतलब क्या रहा है मीन्स ए इज नाइदर ग्रेटर नॉट इक्वल टू बी मतलब ए इज नाइदर ग्रेटर नॉट इक्वल टू बी मतलब ए इज लेस देन बी ये कह रहा है ए प्लस माइनस बी ए प्लस माइनस बी इसका मतलब क्या रहा है कि मीन्स ए इज नाइदर स्मॉलर नॉट ग्रेटर देन बी इसका मतलब क्या बन जाएगा ए इज इक्वल टू बी ये सारे कंडीशन की मैंने अब स्टेटमेंट कह रहा है और कंक्लूजन स्टेटमेंट कह रहा है पी क्रॉस क्यू पी क्रॉस क्यू तो पी क्रॉस क्यू क्रॉस का मतलब ये था डेट इज पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू पी माइनस टी पी माइनस टी माइनस टी ये है डेट इज पी इज लेस देन इक्वल टू टी ओके सॉरी टी डि टी डि इसका मतलब लेस देन आर ओके टी इज लेस देन आर एंड आर प्लस माइनस एस है आर प्लस माइनस एस ए सो यहां पर पी प्लस नहीं, प्लस का तो नहीं है प्लस माइनस एस आर प्लस माइनस एस तो इसका मतलब है कि आर एस के बराबर है ठीक है ये इंफॉर्मेशन है स्टेटमेंट है ये अब कह रहा है देखें क्यू पी से छोटा है देखिए इस दोनों स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं पी क्यू पी से छोटा है और टी पी से बड़ा है मतलब क्यू डज नॉट इक्वल टू क्यू डज नॉट इक्वल टू टी बराबर नहीं होगा ठीक है तो क्यू क्या टी के बराबर तो ये बराबर नहीं होगा ओके एस प्लस क्यू एस प्लस क्यू ये कह रहा है क्या एस क्यू से बड़ा है तो एस कहां है आर के बराबर आर टी से बड़ा है टी पी से छोटा है टी जो है पी से छोटा है और पी जो है क्यू से बड़ा है इसका मतलब ये हो गया कि जो एस है क्यू से बड़ा होगा ध्यान से देखेगा बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है पी क्यू से बड़ा है ठीक है लेकिन पी टी से छोटा है मतलब टी क्यू से बड़ा होगा टी आर से छोटा है इसका मतलब आर किसके क्यू से बड़ा होगा और आर एस के बराबर है इसका मतलब एस क्यू से बड़ा होगा तो यहाँ पे कंक्लूजन टू आ रहा है सो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो द स्टेटमेंट ऑप्शन इसका बी सही होना चाहिए ऑप्शन सी यहाँ पे हम टिक करेंगे काफी लंबा वीडियो हो गया आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ओके okay, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है फोर्टी चिल्ड्रेन आर स्टैंडिंग इन ए सर्किल एक सर्किल में चालीस बच्चे हैं ठीक है चालीस बच्चे हैं और रिंग में है child 1 passes to child 2 अब यहां पे देखिए child 1 कह रहा है आ, पास कर रहा है तो 1 जो है किसको पास कर रहा है 2 को ठीक है 2 जो है 4 को पास कर रहा है 4 को पास कर रहा है ओके okay. अब 4 जो है 7 को पास कर रहा है 4 किसको पास कर रहा है 7 को और कह रहा है एंड सो ऑन तो यहां पे एक जस्ट है इसके बीच में दो एक एक यहां पे कितना हो गया बेटे मिनट यहाँ पे वन पास टू चाइल्ड टू टू पास चाइल्ड फोर तो यहां पे तीन है तो यहां पे एक गैप है ठीक है एक गैप है और चार पांच छ यहां पे दो गैप है ठीक है तो यहां पे एक गैप है यहां पे दो गैप है तो सात किसको पास करेगा तीन गैप के बाद ठीक है ओके okay, तीन गैप के बाद सात पास करेगा ओके okay, सो so, अब यहाँ पे जो गैपिंग है उस गैपिंग को हमें ध्यान में रखना है तो सात तीन दस दस चार चौदह चौदह पांच उन्नीस उन्नीस छ पच्चीस पच्चीस सात बत्तीस आई थिंक किसी तरह चलेगा बत्तीस आठ चालीस बत्तीस आठ चालीस इस तरह से आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस इंक्लूडिंग चाइल्ड वन विल द रिंग विल बी इन द हैंड ऑफ चाइल्ड अगेन अब यहाँ पे चालीस है तो आठ बार में चालीस आ जाएगा फिर अगर नौवा अगर करेंगे तो ये उनचास हो जाएगा चलिए देखते हैं नौ बार में उनचास चला जाएगा फिर यहाँ पे दस हो जाएगा तो ये उनसठ हो जाएगा ठीक है फिर यहाँ पे ग्यारह होगा तो ये कितना हो जाएगा सत्तर हो जाएगा फिर यहाँ पे बारह कर लेते हैं तो ये हमारा बिरासी हो जाएगा बिरासी के बाद देखिए चालीस है ना बच्चे तो हमारा पास तीन राउंड होना चाहिए क्योंकि दो राउंड हो गया तो यहाँ पे तेरह कितना हो जाएगा पचासी हो uh, जा पंचानवे हो जाएगा पंचानवे और ये चौदह कितना हो जाएगा पंचानवे चौदह वन ओके सो पंचानवे बिरासी तेरह पंचानवे पंचानवे और चौदह वन जीरो नाइन और वन जीरो हमारा एगेन वन पे आना है सो सो यहाँ पे चौदह बार में कितना हो गया एक सौ नौ ठीक है अब इगेन पंद्रह इसका मतलब है कि पंद्रह अगर लेते हैं हम लोग पंद्रह टन तो टोटल सम कितना हो जाएगा पंद्रह मल्टीप्लाई बाय एक से पंद्रह तक ये एक से लेकर पंद्रह तक सम लेंगे तो एन इन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू तो पंद्रह अट्ठे एक सौ बीस एक सौ बीस आ गया चालीस बच्चे चालीस एक सौ बीस मतलब पंद्रवा टर्न के बाद अगेन ये जो है सेम बच्चे वन वाले बच्चे के पास पहुंच जाएगा तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन मेरे ख्याल से ऑप्शन बी सही होना चाहिए थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी क्वेश्चन है ये सम ऑफ नेचुरल नंबर बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है ओके अब ये वाला क्वेश्चन देखें ये क्या है जेड दो बार है देखिए जेड दो बार जेड दो बार वाई तीन बार एक्स चार बार तो ए कितना बार होगा जेड दो बार वाई तीन बार तो जेड है दो बार वाई तीन बार एक्स चार बार ठीक है तो अगर हम यहां पे देखें तो जो ए होगा वो जेड से अगर काउंट करेंगे तो ट्वेंटी सिक्स लेटर होगा तो ये ट्वेंटी सेवेंथ हो जाएगा ए ए, ए जो है ट्वेंटी सेवन

एक सात तीन सौ अठहत्तर तो एक हम लोगों ने ऐड किया तो इसको घटाएंगे तो थ्री सेवन सेवन हो जाएगा तो टोटल तो तो जो लेटर इसमें लिखा जाएगा वो थ्री सेवन सेवन लेटर होगा ओके तो थ्री सेवन सेवन को अगर हम हाफ़ करें ठीक है तो दो से अगर हाफ करेंगे तो दो एक दो दो अट्ठे सोलह दो अट्ठे सोलह सो तो वन एट्टी एट मल्टीप्लाई बाई टू प्लस वन तो ये वन आ जाएगा हमारे पास तो वन एट्टी एट मल्टीप्लाई बाई टू ठीक है ये आ गया अब यहाँ पे जो मिडिल टर्म है ये जो वन होगा मल्टीप्लाई बाई टू मतलब टर्म टर्म जो होगा टर्म में जो होगा, वही मिडिल टर्म होगा कहने का मतलब ये है ठीक है तो अब वन एटी नाइन कब होगा तो अगर चौदह मल्टीप्लाई बाई पंद्रह करें पंद्रह तेरह मल्टीप्लाई बाई तेरह मल्टीप्लाई बाई चौदह करें ठीक है डिवाइड बाई तेरह मल्टी तेरह ले, ले लेते हैं यहाँ पे जैसे टू थ्री फोर तो तेरह मल्टीप्लाई बाई चौदह तेरह सत्तर इक्यानवे चौदह मल्टीप्लाई बाई पंद्रह डिवाइड पंद्रह सत्तर एक सौ पाँच सोलह मल्टीप्लाई बाई में आ रहा है यहाँ पे ये हम लोग एन इन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू कर रहे हैं सो so, ये हो जाएगा आठ आठ सत्तर छप्पन के छः आठ में पाँच और आठ आठ पाँच तेरह एक सौ छत्तीस हो गया बीस मल्टीप्लाई बाई उन्नीस मल्टीप्लाई बाई बीस कर रहे हैं डिवाइड बाई टू एक सौ नब्बे हमें कितना चाहिए एक सौ नवासी एक सौ नब्बे आ रहे हैं तो अगर हम लोग नाइनटीन लेटर तक जाएं, तो ये एक सौ नब्बे आ रहा है ठीक है अब यहाँ पे नाइनटीन लेटर कौन सा होगा नाइनटीन लेटर अगर हम लोग काउंट करें जेड से तो ये हमारा जेड देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच ठीक है आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ये एच आ रहा है नाइनटीन लेटर पर ये एच आ रहा है तो जो यहाँ पे आएगा मिडिल टर्म ये एच होगा इस सिक्वेंस के हिसाब से तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन ए सही होना चाहिए ठीक है तो इसको हम लोग सिक्सटी फाइव का ए टिक करते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है इज पी इज ग्रेटर देन क्यू तो हमें ये पता करना है कि क्या पी क्यू से बड़ा है या नहीं ये इसका आंसर आ सकता है कि नहीं अब ये कह रहा है पी क्रॉस क्यू इज ग्रेटर देन जीरो पी क्रॉस क्यू इज ग्रेटर देन इसका मतलब क्या है कि P और q दोनों पॉजिटिव नंबर है है तो दो चीज हो सकता है। या तो पी जीरो से वन के बीच में होगा या एक से बड़ा होगा ठीक है या बराबर भी हो सकता है और q जीरो से वन के बीच में होगा ठीक है या फिर q ग्रेटर देन होगा वन से ये दोनों कंडीशन हो सकता है ओके तभी ये जीरो से बड़ा होगा उसके बाद कह रहा है पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन स्क्वायर पी स्क्वायर ज ग्रेटर तो पी स्क्वायर इज ग्रेटर तो अगर है तो पी स्क्वायर क्या होगा जीरो से वन के बीच में है और क्यू अगर एक से बड़ा है तो यह एक से अधिक हो जाएगा तो क्या P, पी स्क्त ग्रेटर होगा नहीं तो इसके इसमें नहीं होगा ओके उसके बाद हम इसका आंसर अगर Q अगर जीरो सेवन के बीच में तो इसका आंसर नहीं हो अगेन नहीं होगा क्योंकि इनक्वालिटी चेंज कर जाएगी तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस क्वेश्चन में हम आंसर यस भी आ सकता है नो भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन तो हम सही से नहीं बता पाएंगे इस क्वेश्चन में कि क्या इसका आंसर आएगा तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टूगेदर दोनों स्टेटमेंट को यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते मेरे ख्याल से क्वेश्चन सही होगा और कहीं पर इसका सोल्यूशन मिलता तो आप एक बार देख लेना ठीक है आगे चलते हैं 66, again, 67. बहुत सारे इनिक्वालिटीज का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे सिक्सटी सेवन कह रहा है कि पी प्लस क्यू प्लस पी प्लस क्यू माइनस आर इज क्वेश्चन नहीं ग्रेटर देन p माइनस क्यू प्लस आर क्या ये बराबर होगा पहले इसको सॉल्व कर ले पी पी हट जाएगा क्यू प्लस क्यू इज ग्रेटर देन आर प्लस आर तो टू क्यू इज ग्रेटर देन टू आर तो ये कह रहा, Q ये रहा Q है क्यू इज ग्रेटर देन आर क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या क्यू इज ग्रेटर देन आर है ओके तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है स्टेटमेंट क्या गिवन है P माइनस क्यू इज ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब है कि P ग्रेटर देन Q है तो क्या स्टेटमेंट एक से तो एन क्यू और आर के बीच में रिलेशन और इसके बाद क्या रहा है पी एंड आर इज निगेटिव पी एंड आर इज निगेटिव पी माइनस आर इज निगेटिव सो पी आर से छोटा है ये दोनों अब इस दोनों कंबाइन करते हैं पी <coughs> क्यू से बड़ा है यहां पे देखिए पी जो है क्यू से बड़ा है और पी आर से छोटा है पी क्यू से बड़ा है और पी आर से छोटा है यस ये आ गया दोनों मिला के जैसे ही दोनों हमने मिलाया तो यहां पे P Q से बड़ा है और P R से छोटा है ये आ गया तो क्या Q R से बड़ा है Q R से छोटा है तो क्या इसका आंसर दे सकते हैं यस डेफिनेटली दे सकते हैं कि इसका आंसर ये Q R से छोटा Q R से बड़ा नहीं होगा तो ऑप्शन देखेंगे तो क्वेश्चन कैन बी आंसर बाई यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट इन ऑप्शन ए नहीं होगा बी क्वेश्चन कैन बी भी बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट एंड नहीं ये भी नहीं हुआ द क्वेश्चन कैन बी बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट तो इसका आंसर सी होना चाहिए सो so, ऑप्शन यहां पे हम लोग सी को टिक करेंगे राइट right. चलते हैं आगे ओके okay, अब एक क्वेश्चन ये है ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन है ये

एक तो हम लोग ये तीन सर्किल बना लेते हैं एक ये बना लेते हैं ये वाला हो गया हमारा एक सर के लिए ओके दूसरा हम लोग बना लेते हैं रेड से सो तो दूसरा सर्किल ये हो गया और तीसरा अगेन बना लेते हैं येलो से तीसरा सर्किल हम लोग इस तरह से बना लेते हैं ठीक है सर्किल भी टेढ़ा हो रहा है चलिए तो एक को ले लेते हैं कि टोटल पर्सन कितना है सेवेंटी फाइव इन ए पार्टी सेवेंटी फाइव परसेंट तो एक ये हम लोग टी मान लेते हैं सिक्सटी परसेंट टू कॉफी तो ये हम कॉफी मान लेते हैं और इसके बाद कह रहा है मिल्क येलो वाले को मान लेते हैं ओके अब ध्यान से देखिए जब हम ये तीन चीज को मिलाते हैं तो कौन कौन सा रीजन बनता है इस रीजन को लिखते हैं ए बी ये C, ये D, ये e, ये F, और ये G. ये सी डी ई एफ और जी सारे रीजन बन गए अब कह रहा है सेवेंटी फाइव परसेंट टुक टी सिक्सटी परसेंट सेवेंटी फाइव मतलब ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई सेवेंटी फाइव हो जाएगा सिमिलरली और सभी गिवन है आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें टुक uh, कॉफी कॉफी का भी दे रखा है फिफ्टीन परसेंट टुक बोथ टी एंड कॉफी पंद्रह परसेंट जो है टी और कॉफी दोनों लेता है टी और कॉफी लेने वाला कौन है ये डी तो ये किसके बराबर है पंद्रह के बराबर चलिए तो डी बराबर हम लोग पंद्रह लिख लेते हैं यहां पर ठीक है नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी नो वन मेकिंग टेकिंग मिल्क टेक्स टी तो इसका मतलब क्या है यहां पे ये समझना है तो इस स्टेटमेंट का मतलब है नो वन टेकिंग मिल्क टी कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अगर दूध पीता हो तो वो चाय पिए इसका मतलब है ये जो जो दूध पीता हो वो चाय पिए इसका मतलब ई वाला पोर्शन ये जीरो हो जाएगा जी वाला पोर्शन ये भी जीरो हो जाएगा ठीक है मतलब ई बराबर हम लोग जीरो लिख लेंगे और जी बराबर भी जीरो लिख लेंगे ठीक है ये चीज हो गई ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे है अब यहां पे चूंकि टी जो पीने वाला है पचहत्तर परसेंट है जिसमें पंद्रह परसेंट जो है चाय और कॉफी दोनों पीता है तो ए का मान यहां पे कितना आ जाएगा ये पंद्रह है तो ये हो जाएगा हमारा साठ ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा साठ ओके अब स्टेटमेंट वन क्या कहता है दूसरा स्टेटमेंट और यहां पे क्या है कि ईच पर्सन टेक एटलीस्ट तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि चाय कॉफ़ी या दूध नहीं पीता हो सारे चाय कॉफी और दूध पीते हैं स्टेटमेंट वन कह रहा है पचास आदमी दूध पीते हैं तो दूध पीने वाले का संख्या बी प्लस एफ है देखिए ध्यान से सो बी प्लस एफ सो दिस इज इक्वल टू फिफ्टी ये गिवेन है और क्या कह रहा है स्टेटमेंट वन बी प्लस एफ सिक्सटीन है तो सी का मान क्या निकल सकता है यहाँ पे कॉफी का uh, एक चीज बी प्लस एफ गिवेन है तो यहां पे सी का मान नहीं निकल सकता है ओके okay? और यहां से एक और चीज दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन हु द पार्टी इज टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु मिल्क सो कितने आदमी पार्टी में हैं सो so, देखिए की जगह सिक्सटी प्लस फिफ्टीन दूसरा स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं प्लस सी प्लस एफ प्लस बी इतने आदमी पार्टी में हैं ओके okay? 60 प्लस 15 प्लस c प्लस f प्लस b सो दिस इज इक्वल टू जो पार्टी में है वो फाइव टाइम्स है किसके आ, सिर्फ दूध पीने वाले को तो सिर्फ दूध कौन पी रहा है ये b वाला पार्ट सो 5b फाइव टाइम्स कर लेंगे यहाँ पे सो दिस इज 75 प्लस ये हो जाएगा हमारा c plus f इज इक्वल टू फोर बी ओके चीज हो गया सी प्लस एफ प्लस फोर बी और एक और इंफॉर्मेशन यहां से हम लोग देख सकते हैं क्या है कि 60 took coffee. 60 आदमी कॉफी पी रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि फिफ्टीन प्लस एफ प्लस सी कॉफी पीने वाला क्या हो जाएगा फिफ्टीन प्लस एफ प्लस सी सो दिस इज इक्वल टू सिक्सटी सो एफ प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा हमारा फोर्टी फाइव ओके अब जैसे ही c प्लस एफ फोर्टी फाइव हुआ तो सेवेंटी फाइव सी प्लस एफ इज फोर्टी फाइव इज इक्वल टू फोर बी हो जाएगा इसका मतलब b बराबर कितना हो जाएगा ये पचहत्तर प्लस पैंतालीस एक सौ बीस डिवाइड बाई चार तो, हो जाएगा, तो b का मान कितना हो गया तीस आ गया अब जैसे ही b का मान तीस आएगा तो यहाँ से f का मान कितना हो जाएगा बीस आ जाएगा क्योंकि पचास माइनस तीस एफ का मान बीस आ जाएगा जैसे ही एफ का मान बीस आएगा सी का मान कितना आ जाएगा पच्चीस uh, uh, आ जाएगा ठीक है तो सी कितना आ गया 25. तो क्या सारा कुछ आइडेंटिफाई हो गया ये yes, सारा कुछ हो गया. अगर हम टोटल नंबर आइडेंटि जो है पार्टी में तो ये हो जाएगा uh, ये पच्चीस और पंद्रह चालीस और ये साठ कितना हो गया एक सौ और ये तीस और बीस पचास एक सौ पचास आदि टोटल पार्टी में है तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है पार्टी में कितने पर्सन है uh, Uh, ये हाउ मेनी पर्सन अटेंडेंट द पार्टी तो हम लोग आंसर लिखेंगे एक सौ पचास आदमी है और ये जो एक सौ पचास आदमी है पार्टी में इस ये जो है दोनों स्टेटमेंट को यूज करके आ रहा है तो यहां पे जो ऑप्शन हमें टिक करना है क्वेश्चन वन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट इन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट ये नहीं होगा दोनों स्टेटमेंट वाला खोजना पड़ेगा द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टूगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सही होना चाहिए राइट right, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही टफ क्वेश्चन जैसा ये था आगे चलते हैं क्वेश्चन 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 ये क्या कह रहा है? Hmm. 69. 69 का रहा है है नंबर नंबर कंसीडर ए थ्री डिजिट नंबर मे बी ये क्वेश्चन आप दूसरी जगह से भी चेक कीजिएगा ये सही है या नहीं थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में द समिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट तो एक नंबर है हमारे पास वन टू थ्री कि अगर इसका सम करेंगे ना वन प्लस टू प्लस थ्री ये तो आ, बहुत पहले ही तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन के बराबर भी होता है मतलब ये हो जाएगा छः बराबर छः तो द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट क्या ये थ्री डिजिट का नंबर है तो वन टू थ्री हो सकता है थ्री टू वन हो सकता है टू वन थ्री हो सकता है ये सारे नंबर को अगर हम सम करेंगे ऐसे ऐसे बहुत सारे छः नंबर आएंगे सारे नंबर को सम करेंगे और उसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो बराबर आएगा यही ना सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ओके तो कौन सा नंबर होगा तो कोई भी नंबर हो सकता है ठीक है द द द नंबर नंबर इज इज डिविजिबल डिविजिबल सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर तो कोई एक ऐसा नंबर uh, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि यह भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ओके द नंबर इज डिविजिबल बाई समिजिट आ, तो अगर एक नंबर हम वन ये ले लेते ठीक है और इसको ती से डिवाइड करते तो ये ट्वेंटी थर्टी सेवन आता है ठीक है क्योंकि थर्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई थर्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई थ्री थर्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई थ्री वन 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 आता ठीक है तो एक सौ अच्छा इसी में अगर एक दूसरा नंबर हम टू 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 ले, ले अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे, देखिए ध्यान से टू 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 ले लें तो ये क्या हो जाएगा थर्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा डबल कर दिया थ्री 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 भी हो सकता है नंबर तो इस केस में भी नंबर हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं ठीक है तो दोनों केस में बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इस केस में एक सौ ग्यारह सेकेंड वाले केस में एक सौ ग्यारह दो सौ बाईस तीन सौ तैंतीस चार सौ चौवालीस ये सारे नंबर जो है इसके सम ऑफ डिजिट से डिवाइड होते हैं क्युं? क्यों क्योंकि देखिए चा, चार सौ चार सौ अगर चौवालीस ये जो करेंगे सम ऑफ तीन से डिवाइड होगा तो चार सौ चौवालीस को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा चार मल्टीप्लाई बाई वन 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 ठीक है

a इज लेस देन b इज लेस देन c इज लेस देन d इज लेस देन e इस तरह से गिवन है एनी टू सक्सेसिव एज इज डिफर बाय 2 ईयर इसका मतलब है कि b का जो एज होगा a से दो अधिक होगा c का एज a से चार अधिक होगा d का एज a से छः अधिक होगा e का एज a से आठ अधिक होगा ठीक है तो सभी का अगर एज ऐड करना चाहें ठीक है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का तो अच्छा ए का एज ए है तो अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव ए प्लस छः चार दस प्लस बीस सभी का एज कितना हो जाएगा फाइव ए प्लस ट्वेंटी हो जाएगा ठीक है अब कह रहा है व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट यंगेस्ट का एज कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए द एज ऑफ एल्डेस्ट इज थ्री टाइम दंगेस्ट तो एल्डेस्ट का एज ए प्लस थ्री ए प्लस एट होगा एल्डेस्ट का थ्री टाइम ऑफ यंगेस्ट थ्री ए मतलब टू ए इज इक्वल टू फोर्थ ए इज इक्वल टू टू आ रहा है ठीक है तो एज इक्वल टू टू आ रहा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम आंसर दे सकते हैं अब देखें अब दूसरा कह रहा था एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रेन इज एट ईयर अगर इसका एज हम एवरेज ले लें डिवाइड बाई पांच सो दिस इज एट आ रहा है तो फाइव ए प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू फोर्टी हो जाएगा सो फाइव ए इज इक्वल टू ट्वेंटी हो जाएगा तो हाँ तो ए इज इक्वल टू फाइव ए इज इक्वल है, आ, सही है? सो फाइव ए तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आ, चार हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ये फोर ये एट है तो ये हमारा चार हो जाएगा तो स्टेटमेंट वन से भी आंसर आ रहा है स्टेटमेंट दो से भी आंसर आ रहा है तो इसका आंसर क्या है द क्वेश्चन कैन भी आंसर बाई यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट इन लोन बट कैन नॉट भी ऑप्शन ए नहीं होगा बी नहीं होगा द क्वेश्चन कैन भी आंसर बाई यूजिंग बोथ आंसर्ड बाई यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टूगेदर बट कैन नॉट बी आंसर तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हमें देखना होगा ठीक ऑप्शन बी बी क्या है हमारा बी है द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाई यूजिंग आइदर स्टेटमेंट इन कोई भी स्टेटमेंट अकेला यूज करके इसका आंसर निकाला जा सकता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी भी हो गया आगे चले आगे कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन है ये द प्रिंसिपल पी बिकम क्यू इन वन ईयर वेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली विथ आर परसेंट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो Q जो है आ, कम आ, आ, क्या हो जाएगा ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा सो दिस इज इक्वल टू P प्रिंसिपल वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है R कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है तो जब कंपाउंडेड uh, क्या कह रहा है हाफ ईयरली होता है रेट क्या हो जाएगा आर बाई टू हो जाएगा डिवाइड बाई हंड्रेड और चूंकि एक साल में दो बार कंपाउंड होगा तो पावर क्या हो जाएगा टू तो क्यू का मान ये हो गया अब कह रहा है कि पी बिकम्स क्यू इन वन ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली विथ एस परसेंट अब क्यू जो है अगेन हो जाता है पी का जब ये एस परसेंट के रेट से करता है लेकिन ये जो है एनुअली होता है तो रेट आधा नहीं होगा एस का एस रह जाएगा और पावर यहाँ पे हो जाएगा वन अब कह रहा है कि आर और एस में क्या रिलेशन है तो चलिए दोनों को बराबर कर लेते हैं पी इंटू वन प्लस आर बाई टू हंड्रेड का पावर टू इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस एस ओवर हंड्रेड ठीक है ये हो गया सो so, पी से पी कैंसिल हो जाएगा सो वन का स्क्वायर वन आर ओवर हंड्रेड टू हंड्रेड का ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा ठीक है प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय ये हो जाएगा प्लस टू ए बी टू इंटू आर ओवर हंड्रेड दट इज टू हंड्रेड हो जाएगा इधर ये वन प्लस एस ओवर हंड्रेड हो जाएगा ठीक है तो ये आर ओवर ये कट के हंड्रेड हो जाएगा तो so, बेसिकली क्या आ गया वन से वन कैंसिल हो गया सो वी हैव एस ओवर हंड्रेड हंड्रेड प्लस आर ओवर टू हंड्रेड का होल स्क्वायर यहां से देखिए एस जो है आर ओवर हंड्रेड के बराबर है लेकिन उससे भी अधिक है इसका मतलब है, R, है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एस मस्ट बी ग्रेटर देन आर ऑप्शन सी इसका आंसर होना चाहिए चलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर हो गया अब कह रहा है ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव ये कह रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर गिव्स रिमाइंडर मैनीचुरल डिवाइड बाई दीज नंबर तो देखिए को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है थर्टी वन आ रहा है थर्टी वन अगर रिमाइंडर को घटा देंगे तो ये पाँच आ जाएगा ये पाँच आ जाएगा ये वन और ये वन तो ग्यारह सौ पचपन आ गया है, वो नेचुरल नंबर से टोटली डिवाइड हो जा रहा है इसका मतलब है कि कौन कौन से फैक्टर होंगे जो इलेवन वन वन फाइव फाइव को डिवाइड करेंगे तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं वन वन फाइव फाइव ट्रिक क्वेश्चन लग रहा है ये सो दिस इज ग्यारह ग्यारह नहीं ग्यारह ग्यारह पच पचपन एक सौ पाँच सो भी कहने ट्वेंटी वन से करेंगे तो ये पाँच में आ जाएगा सो so, ग्यारह इंटू इक्कीस गुने पाँच ये सारे फैक्टर आ गए ग्यारह मल्टीप्लाई बाई सात मल्टीप्लाई बाई तीन मल्टीप्लाई बाई फाइव रिमाइंडर कितना आ रहा है तीन आ रहा है तो जो भी डिवीजर होगा वो थर्टी वन से अधिक होना चाहिए ठीक है तो कितने सारे डिवीजर बनेंगे इसका देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में ये अगर आ, हमारा आ, क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका पावर वन है इसका पावर वन है इसका पावर वन है इसका पावर वन है तो टोटल तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे वन प्लस वन दैट इज एन वन प्लस वन सभी में एक एक पावर ऐड करते हैं यदि अगर आपको पता हो तो ठीक है सो दिस इज़ कितना होगा दो मल्टीप्लाई बाई दो मल्टीप्लाई बाई दो मल्टीप्लाई बाई दो तो ये हो जाएगा सोलह टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए सोलह अब इस सोलह फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे जैसे यहाँ पे पाँच भी यहाँ पे पाँच भी आ जाएगा तीन भी आ जाए तो पाँच तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि पाँच जो है हमारा किससे अधिक होना चाहिए हमारा होना चाहिए थर्टी वन से अधिक होना चाहिए ठीक है तो कौन कौन सा फैक्टर थर्टी वन से अधिक नहीं बनेगा तो तीन पाँच का कॉम्बिनेशन लेंगे और सात तीन का कॉम्बिनेशन लेंगे सो तीन पाँच का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये वन प्लस वन इंटू वन प्लस वन तो ये चार फैक्टर ऐसे बनेंगे तीन पाँच का पंद्रह का चार ऐसे फैक्टर बनेंगे ठीक है तो जो कि सोलह में इंक्लूड है लेकिन ये थर्टी वन से कम होगा और आ, तीन पाँच का ले लिया और सात तीन का अगर हम लेते हैं कॉम्बिनेशन तो ये हमारा हो जाएगा वन प्लस वन इंटू वन प्लस वन तो ये दो दो चार फैक्टर और ऐसे बनेंगे जो सात और तीन के फैक्टर से बनेंगे जैसे सात बनेंगे तीन बनेंगे इक्कीस बनेंगे लेकिन ये थर्टी वन से कम है बाकी अगर हम ग्यारह और तीन लेते हैं या ग्यारह और पाँच लेते हैं तो ये थर्टी वन से अधिक बनेगा ठीक है चूंकि रिमाइंडर थर्टी वन है तो थर्टी वन से अधिक डिविजर होना चाहिए तो ये दो फैक्टर यहाँ से घट जाएगा चार चार आठ तो सोलह में से आठ जाएगा तो ये हो जाएगा आठ तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारे मेरे ख्याल से इसका आंसर सी होना चाहिए 75 का आगे चलते हैं। आगे चलते चलते हैं हैं 76। 76 कह रहा है कि थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ओके लेट पी क्यू क्यू आर आर बी टू डिजिट नंबर तो पी क्यू क्यू आर आर टू डिजिट नंबर है And PP plus QQ plus RR, so this is equal to TT zero है, where TT zero is three digit number ending with zero. Consider the following statement: the number of possible value of P is five. P का क्या possible value हो सकता है? And uh, और क्या पूछ रहा है? Uh, number of possible value of Q is six. Q का क्या possible value हो सकता है? दोनों statements में कौनसा statement सही है? ये देखना। देखिए, इसको लिख सकते हैं ten एक मिनट इसको ऐसे नहीं करेंगे अगर हम लोग आ, ऐसे देखें इसको पी, पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर सो यहां तो अगर हम इलेवन ये ले लें वन वन टू टू, टू थ्री थ्री तो नहीं आएगा कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है ये हमें यहां पे देखना होगा सो अगर ग्यारह प्लस बाईस प्लस सेवेंटी सेवन करते हैं तो ये हमारा ग्यारह बाईस सात तीन हाँ देखिए ये कितना होना चाहिए यूनिट प्लेस में जीरो होना चाहिए मतलब सात तीन दस मतलब वन मतलब तीन नंबर का सम हमें जो पी क्यू आर होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो तीन नंबर हमें लेना है इस तरह जो क्या हो जाए दस हो जाए क्योंकि यूनिट प्लेस पी प्लस क्यू प्लस आर जीरो हो रहा है यूनिट प्लेस सो वन प्लस टू प्लस सेवन देखिए ध्यान से वन प्लस टू प्लस सेवन तो ये हमारा एक सौ दस हो गया ठीक है आ गया अगर हम वन वन ले लें ले और थ्री थ्री ले लें ठीक है वन वन थ्री थ्री तो ये कितना हो गया और यहाँ पे तीन एक चार तो सिक्स सिक्स भी हो सकता है तो ये हमारा छः तीन नौ एक दस के जीरो हाथ में एक तो ये भी एक सौ दस हो गया ठीक है अगर हम वन वन और टू टू हो गया थ्री थ्री हो गया तो फोर फोर अगर ले लें और यहाँ पे अगर हम फाइव फाइव ले ले तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है वन वन जीरो ठीक है अगर हम यहाँ पे देखें वन वन अब ये फाइव फाइव नहीं होगा ठीक है तो ये हो गया वन वन टू टू थ्री थ्री तो ये तीन कॉम्बिनेशन आया ओके तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या है पॉसिबल वैल्यू ऑफ p कितना होगा तो चूंकि p जो है वन वन हो सकता है अच्छा आगे भी कर सकते हैं यहाँ पे आ, अगर हम लोग देखें यहाँ पे टू टू प्लस थ्री थ्री ठीक है तीन दो पांच प्लस फाइव फाइव ठीक है तो ये भी हमारा पाँच तीन आठ दो दस एक सौ दस हो जाएगा ठीक है टू टू ठीक है टू टू भी आ जाएगा तो वन आ गया टू आ गया फिर थ्री थ्री भी ले सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे और कॉम्बिनेशन टू 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 ये फोर फोर और ये फोर फोर होगा नहीं क्योंकि अलग है तो एक कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा अगर थ्री थ्री ले लें ले, तो ये फोर फोर हो जाएगा प्लस चार तीन सात तीन दस तीन तीन नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए वन और टू कॉम्बिनेशन आए चूंकि पी इज लेस देन क्यू क्यू इज लेस देन आए तो यहाँ पे जो पांच कॉम्बिनेशन पांच वैल्यूज नहीं आएगा पी क्यू का सिमिलरली क्यू का भी वैल्यू छ नहीं आएगा क्योंकि symmetric चलेगा तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए ना ऑप्शन डी सही होना चाहिए हम यहाँ पे ऑप्शन डी करेंगे वैसे तो यहाँ पे बहुत सारा सोल्यूशन निकालना होगा बट इतना टाइम नहीं है क्योंकि यहाँ पे यही दिख रहा है कि पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं तो जिस तरह से पी का सोल्यूशन आएगा उसी तरह से क्यू का भी सोल्यूशन आएगा तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए आंसर इसका आगे चलते हैं ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन वट इज द सम ऑफ ऑल फोर डिजिट नंबर लेस देन टू थाउजेंड तो लेस देन टू थाउजेंड से चार डिजिट नंबर हमें बनाना है इसका मतलब है यहाँ पे हमारा वन होगा थाउजेंड प्लेस पे क्योंकि दो हजार से कम लेना तो अगर 2000, one दो हजार वन नहीं लेंगे दो लेंगे या तीन लेंगे या चार लेंगे तो दो हजार से अधिक हो जाएगा तो यहाँ पे वन हो जाएगा और बचा कितना दो तीन चार तो दो तीन चार तो ये दो तीन चार कितने तरीके से अलग अलग नंबर तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल थ्री तरीके से अरेंज हो सकता है मतलब छः नंबर ऐसे बनेंगे अब नंबर कौन कौन से बनेंगे वो लिखना होगा वन यहाँ पे वन आएगा टू थ्री फोर वन टू फोर थ्री ठीक है वन थ्री टू फोर वन थ्री फोर टू वन फोर टू थ्री वन फोर थ्री टू ये छः नंबर बनेगा और इसी को ऐड करना है चार तीन सात चार ग्यारह ग्यारह दो तो तेरह तेरह और ये पाँच तेरह पाँच अठारह का आठ में एक आ, और ये हो जाएगा तीन एक चार चार आठ आठ दो दस दस चार चौदह चौदह और पाँच उन्नीस के नौ हाथ में एक दो एक तीन एक चार चार तीन सात सात तीन दस दस, दस चार चौदह चौदह चार अट्ठारह एक उन्नीस इन हैंड वन और ये हो जाएगा सात छः है सात सेवन नाइन नाइन एट ऑप्शन इसका ए सही होगा सेवेंटी सेवन भी क्वेश्चन हो गया आगे चलते हैं आ, ये कह रहा है कौन सा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट ध्यान से देखेंगे what is uh, what is the number of selection of 10 consecutive thing out of 12th thing in combination karna to तो arrangement to yahan pe hame dekhna nahi hai to hame yahan pe 12 uh, वस्तु को रखना है और जिसमें uh, दस का सिलेक्शन करना है तो एक कितना बारह है ना एक दो तीन चार एक मिनट एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह देखिए ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स ये सेवन ये एट ये नाइन ये टेन ठीक है अब हमें सिलेक्शन करना है तो अगर एक से दस तक लेंगे तो एक सिलेक्शन आ जाएगा एक से दस तक ठीक है एक सिलेक्शन आ जाएगा फिर दो से ग्यारह तक एक सिलेक्शन आ जाएगा फिर तीन से बारह तक एक सिलेक्शन आ जाएगा ठीक है और फिर आगे चलेंगे तीन से बारह तक एक सिलेक्शन आ जाएगा तो फिर चार से हमारा आगे चलेंगे तो चार से फिर एक आएगा सिलेक्शन ठीक है एक से तो यहाँ पे एक से दस तक एक अलग सिलेक्शन दो से आ, दो से ग्यारह तक दूसरा सिलेक्शन नंबर वही आएगा दो से ग्यारह तक क्योंकि दो तीन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दो तो से ग्यारह तक दूसरा सन, तीन से बारह तक फिर अगर हम आगे चलें यहाँ पे चार से बारह के बाद क्या आ जाएगा हमारा एक चार से एक तक ठीक है तो इसमें दो तीन छूट जाएगा चार से एक तक छूट जाएगा तो ऐसा करते करते टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना बनेगा आई थिंक ट्वेल्व बनेगा ठीक है तो चार से एक हो गया फिर पाँच से दो हो जाएगा फिर छः से कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा ठीक है सात से चार हो जाएगा देख लेते कहाँ तक जाता है सात से चार हो जाएगा और आठ से ये हो जाएगा हमारा पांच नौ से ये हो जाएगा छः दस से ये हो जाएगा सात ग्यारह से ये हो जाएगा आठ बारह से ये हो जाएगा नौ ठीक है बारह को सिलेक्शन करेंगे तो कितना हो गया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बार बारह सिलेक्शन यहां पे हो रहा है और भी है कुछ तो आई थिंक इसका ऑप्शन सी सेवेंटी एट का ऑप्शन सी So, इसका ऑप्शन हम लोग ऑप्शन सी करेंगे देखिए यहां पे एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे हम लोगों ने यहां पे फिर से मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं वन से दस तक लिया ठीक है मतलब ग्यारह बारह नहीं लिया ठीक है दो से हमने ग्यारह तक लिया इसका मतलब एक और बारह नहीं लिया ठीक है ओके तीन से बारह तक लिया इसका मतलब हम लोगों ने एक और दो नहीं लिया तो ये सिलेक्शन बन रहा है ये अलग ये वाला यहाँ से यहां तक अलग सिलेक्शन यहां से तक अलग सिलेक्शन तो हर एक सर्कुलर अरेंजमेंट में कोई नंबर छूट रहा है तो वो अलग सिलेक्शन बन जाएगा तो इसका आंसर सी होना चाहिए मेरे ख्याल से चलिए आगे चलते हैं ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन रह गया दोनों को अभी फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन कह रहा है इफ टुडे इज संडे अगर आज संडे है then which day is exactly on ऑन to the power टेंथ days इसका मतलब क्या है एक पे दस सुना एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ठीक है इतना डेज है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस इतना डेज है अब इससे हमें क्या करना है डिवाइड करना है किस से सात से डिवाइड करना होगा क्यों क्योंकि तो सात दिन के बाद हमारा यहां पे लीप ईयर सबका बात नहीं है कुछ नहीं सात दिन के बाद हमारा डे आ जाएगा सेम ओके आठवें दिन सेम आ जाएगा सात से करेंगे तो सात सातकन सात एक तीन ठीक है जीरोकन सात एक तीन जीरो सात चौका अट्ठाईस ये जीरो आ गया ठीक है दो फिर ये जीरो सादुन, आ जाएगा जीरो सात दोना सात दूना चौदह ठीक है कितना आ जाएगा छः फिर ये जीरो आ जाएगा सात अठे छप्पन ठीक है चार फिर ये जीरो आ जाएगा सात पच्चे, पैंतीस पाँच फिर ये जीरो आ जाएगा सात सत्ते, उनचास ठीक है फिर एक फिर ये ज़ीरो आ जाएगा सात एकन सात ठीक है तीन आ गया तीन आ गया फिर यहां पे कितना रिमाइंडर आएगा अभी कर ली लेते हैं टोटल फिर ये वाला जीरो आएगा नीचे तीस अट्ठाईस दो फिर ये वाला जीरो आ जाएगा जीरो ठीक है सात दो चौदह, ठीक है छ और फिर एक जीरो आएगा सात अट्ठे छप्पन फिफ्टी सिक्स रिमाइंडर क्या गया चार संडे था मंडे टूजे वेडनेसडे थर्सडे तो क्या होगा थर्सडे होगा सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था ये तो इस क्वेश्चन का आंसर थर्सडे ऑप्शन बी सही होना चाहिए आगे चलते हैं अब कह रहा है देर आर थ्री ट्रैफिक सिग्नल ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन सिग्नल है ग्रीन से रेड हो रहा है फिर रेड से ग्रीन हो रहा है The first signal take 25 seconds, second, second signal take 39 second, and third signal take 60 second. तो so, पहला 25, दूसरा 39 और तीसरा 60 second कह रहा है ये इतना ले रहा है ठीक है? To change the color from green to red. The duration for green and red color are the same. तो so, green से red में अगर 25 हो रहा है तो red से green होने में भी 25 लगेगा. तो ग्रीन से ग्रीन होने में कितना लगेगा फर्स्ट सिग्नल को डबल मतलब पचास इसका सेवेंटी एट और इसका एक सौ बीस ठीक है एट वट टाइम दे चेंज द ग्रीन नेक्स्ट साइमल्टेनियसली एक साथ कब वो चेंज करेगा अगर दो बजे वह टर्न हुआ ग्रीन तो ग्रीन से फिर रेड फिर रेड से ग्रीन दूसरे टाइम में कब ये चेंज करेगा इसका मतलब क्या है कि पचास सेकेंड का अठहत्तर सेकेंड का और 120 सौ सेकेंड का हमें क्या निकालना है हमें एलसीएम निकालना है निकाल लेते हैं पाँच से करते हैं ये दस हो जाएगा ये सेवेंटी एट हो जाएगा और ये पाँच दुना दस पाँचों का बीस चौबीस हो जाएगा ठीक है फिर अगर हम इसको दो से करें दो पंचे दस ये थर्टी नाइन हो जाएगा और ये बारह हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे तीन से करेंगे तो ये पाँच हो जाएगा ये तेरह हो जाएगा और ये चार हो जाएगा अब तो कुछ फैक्टर आएगा भी नहीं इसमें तो पाँच मल्टीप्लाई बाई पांच पच्चीस पच्चीस एक सौ और तेरह दोनों अठहत्तर सेवन हंड्रेड आ गया तेरह तेरह छक तेरह पच्चीस तेरह छक अठहत्तर सेवनटी एट हंड्रेड आ गया अब सेवनटी एट हंड्रेड सेकेंड के बाद ये क्या होगा रिप्लाई फिर से ग्रीन होगा मतलब छत्तीस सौ सेकेंड में एक घंटा तो छत्तीस uh, सौ को डिवाइड करेंगे हम लोग तो छत्तीस दो न बहत्तर सौ हो गया जीरो जीरो छः सौ ठीक है मतलब दो घंटा दो आवर और छः सौ सेकेंड तो एक मिनट में दस सेकेंड हो साठ सेकेंड होता है तो दस मिनट में छः सौ सेकेंड तो आ, दो घंटा दस मिनट के बाद ये फिर से ग्रीन ग्लो करेगा तो दो बजे अगर ये किया था तो दो और दो चार और दस चार बज के दस मिनट में फिर से ये ग्लो करेगा आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कुछ क्वेश्चन इसमें अभी भी डाउटफुल था तो उस क्वेश्चन को मैंने अभी नहीं किया है बाकी अगर कहीं पे भी कोई मिस्टेक अगर आपको देखिए क्वेश्चन करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है या ऑप्शन टिक करने में कहीं भी कहीं पर मिस्टेक हो सकता है तो अगर ऐसा कहीं पे मिलता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर जरूर कीजिए जिससे कि औरों को फ़ायदा हो जाए चलिए तो ये हमारा यू पी एस सी दो हज़ार तेईस का सी सी का मैथ के सेक्शन का क्वेश्चन था और अगर इसके लेवल का बात करें तो ये बहुत ही और सब सालों से जो हम लोगों ने करवाया था दो हज़ार बीस बाईस इक्कीस ठीक है उन्नीस का जो पेपर किया था उसके हिसाब से ये क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हाई है इसको हम लोग मीडियम रेंज में नहीं रख सकते इस क्वेश्चन को क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है देखिए क्वेश्चन का स्टेप्स देखिए कितने कितने क्वेश्चन हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी क्वेश्चन है ये मीडियम रेंज का भी नहीं इसको हार्ड हाई लेवल हार्ड में इस क्वेश्चन को हम लोग रख सकते हैं कि इसका लेवल बहुत ही हार्ड है जो क्वेश्चन नहीं हुआ है उस क्वेश्चन को आप देखूंगा मैं नेक्स्ट अगर कहीं पे आ, डाउट है कुछ क्वेश्चंस में तो उस क्वेश्चन को अभी मैंने नहीं किया तो बाकी जितना भी क्वेश्चन किया है लगभग नाइन्टी नाइन्टी क्वेश्चन किया है तो इस चीज़ से आप आ, अपना आंसर मैच कर लीजिए प्रोबेबली ये 99 नाइन परसेंट तक सही होगा नाइन्टी फाइव परसेंट तक सही होगा चलिए मिलते हैं फिर से आई होप आप लोग का अच्छा सा स्कोर आए तो चलिए यही पे हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं आज के लिए इतना ही जय हिंद